वायदा कारोबार की अप्रैल सीरीज के बचे हैं आखिरी 1.5 घंटे, तैयारी करनी है इसकी भी और साथ ही अगली सीरीज की भी। तो आइए इस एक्शन के लिए हो जाइए तैयार हमारे साथ फाइनल ट्रेड में। स्वागत है आप सबका, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, वो एक्सपायरी का जो वॉलेटाइल ना हो, और जैसा हम सुबह बात कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही थोड़ा वॉलेटाइल मूवमेंट हो रहा है, बट पॉजिटिव टेरिटरी के आसपास ही बाजार होल्ड कर रहे हैं। तो बताएं सर, अब से एक्सपायरी के एंड तक किस तरह का एक्शन देख रहे हैं, बड़ी बातें क्या है? वो ओवर कॉन्फिडेंट बुल्स के लिए एक जो हल्का झटका होता है जिसमें कि आपकी तेजी की पोजीशंस कम होती है, जो आपको चाहिए वो मिल गया और अब शायद आखिरी 1.5 घंटे में स्मूथ एक्शन आराम वाला रहना चाहिए, ऐसा आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं क्या कुछ होगा दीप, वो इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन उससे पहले अब तक की बड़ी बातें आपके सामने रख दी जाए बाजार में जो एक्शन हुआ है उसको देखकर। मंथली एक्सपायरी के एक अच्छा उतार चढ़ाव, 3 दिनों के मजबूती भरे सेशन के बाद चौथे दिन भी मजबूती, लेकिन अचानक आई प्रॉफिट बुकिंग और वो भी जमकर और वो भी बेहद तेज, जिसमें लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। लेकिन संभलते हुए दिखे हैं बाजार निचले स्तरों से लाल निशान में फिसलने के बाद ऊपर आने की कोशिश। निफ्टी 50 अंक मजबूत, बैंक निफ्टी भी निचले स्तरों से थोड़ा संभलता हुआ। लेकिन आज के इस महीने के इस साल के स्टार परफॉर्मर है मेटल शेयर, दमदार चमक है मेटल शेयर में। टाटा स्टील 1000 के पार निकलता हुआ, जेएसडब्ल्यू स्टील 7% ऊपर, मेटल इंडेक्स 3.5% की मजबूती, शानदार तेजी बड़े छोटे मझोले सभी मेटल शेयरों में होती हुई दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स 150 अंक उछलता हुआ धीमे धीमे, कल के सारे नुकसान की भरपाई करने के मूड में है। आज यूरोप के बाजारों में भी 0.5% की मजबूती। तो ये है वो सारे के सारे एक्शन जिस पर आपको रखना है फोकस। जी दीप, बिल्कुल सर। और मेटल्स की तेजी की बात करें तो सेल को मत भूलिए, हालांकि बैन में है पर 3 दिन पहले आपने खरीदारी की राय दी थी, अब लग रहा है सर 102 का टारगेट थोड़ा कंजर्वेटिव हो गया, 110 के लेवल्स पर आते हुए काउंटर दिख रहा है 10 साल की ऊंचाई पर। तो सर मेटल्स में तो जबरदस्त तेजी है ही, आपने अभी कहा कि अब एक्सपायरी थोड़ी स्मूथ होनी चाहिए, जो दिन की वॉलिटिलिटी, जो दिन की एक बड़ी गिरावट आनी थी वो आ गई, ऐसा क्यों कहा सर इंडेक्स के लिए? दीप, जिस तरह की पोजीशंस हैं, तो शुरुआती पोजीशंस मैंने देखी है, उसको देखकर लगता है कि रेंज में रहेंगे बाजार, ऐसा लग रहा है। शायद जो अब तक डेटा दिख रहे हैं, नीचे 14,800 को तोड़ने की जल्दबाजी ना हो, 15,000 के पार करने की जल्दबाजी ना हो, और इंट्राडे मूव ज्यादा जाना जाता है। और आपने और हमने जो कल डेटा डिस्कस किए कि निफ्टी में पिछली एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी के दिन उसके एक दिन पहले किस तरह से मूव होता है, निफ्टी की मंथली एक्सपायरी के दिन किस तरह का मूव होता था। एक्सपायरी के दिन क्लोजिंग बेसिस पर बहुत बड़ा मूव आपको नहीं मिलता, इंट्राडे में एक मूव मिलता है, लेकिन बैंक निफ्टी में इंट्राडे का बड़ा मूव मिलता, वो 1000 पॉइंट का आपको फिर से मिल गया। तो मेरे ख्याल से कमोबेश मूव जो बड़े चाहिए थे वो मिल गए, अब एक्सपायरी के लिहाज से बहुत ज्यादा शायद फर्क ना पड़े। फिर भी 2:30 बजे आपके सामने, और हो सकता है आज 2:25 पर ही मैं आपके सामने डेटा रख दूं, क्योंकि ढेर सारा एक्शन है, नतीजे भी आएंगे, बजाज ऑटो के रिजल्ट्स आने वाले हैं, सेठी साहब की भी हमें 2:30 बजे स्ट्रेटेजी लेनी है, तो मेरे डेटा भी कमोवेश तैयार हो रहे हैं, वो हम देखेंगे भी और उसके बाद आपके सामने रखेंगे, तो बस उसकी तैयारी है। लेकिन हाँ, ओवरऑल देख लें, कोई खास ऐसी बाजार में समस्या नहीं है। जो ऊपरी स्तरों पर हम कह रहे थे एक बार प्रॉफिट बुकिंग आनी है आपको सेलिंग रेंज में, जो सुबह सुबह आपने पहला सवाल पूछा था, वो सेलिंग रेंज से प्रॉफिट बुकिंग आई है और वापस से निचले स्तरों से खरीदारी भी होती दिखेगी, तो दोनों तरफ की ट्रेड है वो अच्छी बात भी है बाजार के लिए। जी दीप, बिल्कुल सर, तो दोनों तरफ के मौके मिले हैं, अच्छी बात है, और अब शायद यहां से एक्सपायरी थोड़ी स्मूथ हो जानी चाहिए। आइए, जैसा अनिल सर ने कहा ढेरों स्टॉक्स पर एक्शन है, तो थोड़ी स्टॉक्स पर ही खबरें जान लेते हैं। आज के खबरों वाले स्टॉक्स बताएंगे देवांशी, और उससे पहले इवेंट्स और ट्रिगर्स जान लेते हैं मानसी के साथ। गुड आफ्टरनून मानसी, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु। धनलक्ष्मी बैंक इक्विटी राइट इशू के जरिए पेड अप कैपिटल बढ़ाने पर एक बोर्ड मीट करने जा रहे हैं जय भारत मारुति। नतीजों के साथ ही बोर्ड बैठक में बोनस शेयर पर भी फैसला होगा। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना टीकाकरण को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे एक बैठक करने जा रहे हैं आज दोपहर 3 बजे, तो इस पर भी नजर रहेगी। नतीजों के लिहाज से बजाज ऑटो और टाइटन के नंबर्स निफ्टी स्पेस में, वहीं वायदा बाजार में अंबुजा सीमेंट, एक्साइड, एलएनटी फाइनेंस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर नजर रहेगी। शुक्रवार कल के
दिन नई सीरीज की शुरुआत हो जाएगी। निफ्टी में इंडसइंड बैंक रिलायंस के नतीजों पर फोकस होगा। एफएनओ में मेरिको ट्रेंड के नतीजों पर नजर रहेगी। वहीं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक करेंगे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक जो है 30 अप्रैल तक जारी रहने की खबरें थी। अब कल क्या नए सर्कुलर्स आते हैं, क्या रेस्ट्रिक्शन बढ़ते हैं कि नहीं, वो जानना होगा। बैंक ऑफ इंडिया पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करेंगे। वहीं इंडियन होटल भी पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करेंगे। और अंत में शनिवार के दिन 1 मई एक तो ऑटो बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखेंगे और कैश में गुजरात थेमिस, बायोसाइंसेज, जेन टेक्नोलॉजीज, वहीं सीडीएसएल के नंबर्स पर फोकस रहेगा। ओके, तो ढेरों नतीजे आने वाले हैं और साथ ही कई सारे और खबरों वाले ट्रिगर्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए आज के खबरों वाले स्टॉक्स जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी बताएं। बिल्कुल, आप देखिए आज एचयूएल के जो शानदार नतीजे आते हुए दिखे हैं उससे शुरुआत करते हैं। जो आय है इसमें इस बार बढ़त आती हुई दिखे करीब 35% की, साथ ही इनका जो मुनाफा है वो भी बढ़ता हुआ दिखा है 41% से, और जो अनुमान था उससे बेहतर नंबर्स आते हुए दिखे हैं। जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 16% पे आती हुई दिखी है, अनुमान था करीब 10 से 11% बढ़ने का। हेल्थ और हाइजीन सेगमेंट पे इस बार डबल डिजिट की ग्रोथ आती हुई दिखी है, और साथ ही जो मार्जिन हैं वो इस बार 24% पे आते हुए दिखे हैं 23% से बढ़कर। तो ओवरऑल जो कमेंट्री है वो भी थोड़ी सी पॉजिटिव है। 17 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान भी कंपनी ने किया है। स्टरलाइट टेक तिमाही आधार पर आप देखिए आय बढ़ती हुई दिखी है, 1314 करोड़ से बढ़कर 1475 करोड़ पे आई है। इस बार जो मार्जिन है वो कम हुए हैं, लेकिन बहुत ही कम यहाँ पे इंपैक्ट आता हुआ दिखा है। मार्जिन करीब 17.4% पे आते हुए दिखे हैं। जो मुनाफा है वो 86 करोड़ से बढ़कर 122 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, 2 रुपए प्रति शेयर। आवास फाइनेंशियल्स हमारा नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे, मैं हमने आपको कहा था कि अच्छे नतीजे आएंगे और नतीजे अच्छे भी आए हैं। इस बार आय बढ़ी है 230 करोड़ से बढ़कर 290 करोड़ के आसपास, और साथ ही जो मुनाफा है वो भी 60 करोड़ से बढ़कर 81 करोड़ के पास आता हुआ दिखा है। अनुमान था करीब 77 to 78 करोड़ का। इसके अलावा आईनॉक्स लीजर कमजोर नतीजे हैं, इस बार घाटा बढ़ता हुआ दिखा है, 82 करोड़ से बढ़कर 94 करोड़ पर आया है, और जो आय है वो भी कम होती हुई दिखी है, 370 करोड़ से घटकर 90 करोड़ है, लेकिन एक्सपेक्टेड था कि आईनॉक्स लीजर के नतीजे इस बार कमजोर आएंगे। टाटा मोटर्स कुजेंसिस के हवाले से खबर है कि 1 से लेकर 3 मई तक कंपनी के सारे प्लांट्स और ऑफिसेज बंद रहेंगे, जिस तरह से लॉकडाउन है इसके चलते भी थोड़ा सा इंपैक्ट आता हुआ दिखा है। एक्सिस बैंक अमिताभ चौधरी को दोबारा बैंक के एमडी और सीईओ की तरीके से नियुक्त कर दिया गया है, ये सुबह खबर आती हुई दिखी थी। और आईसीआईसीआई बैंक पर आपको नजर रखनी होगी, जहां पे मर्चेंट स्टैक नाम से कारोबारियों के लिए एक प्लेटफॉर्म कंपनी ने लॉन्च किया है। नए प्लेटफॉर्म में करीब 2 करोड़ छोटे कारोबारियों को जोड़ने के जो योजना है वो बैंक की तरफ से आती हुई दिख रही है। और इसके अलावा आज जितने भी मेडिकल डिवाइसेस वाली कंपनी है इस पर आपको नजर रखनी है, शिल्पा मेडिक्योर, पॉली मेडिक्योर, न्यूरेका, ये सारी कंपनीज हैं जिस पर आपको नजर रखनी है, क्योंकि मेडिकल डिवाइसेस के इंपोर्ट पर अब 3 महीने के लिए मंजूरी मिल चुकी है, ये खबर आती हुई दिखी। और आखिर में जीआरएम ओवरसीज, जहां पे 12 मई को बोनस शेयर पर विचार करेगी बोर्ड, तो इस पर भी आपको नजर रखनी है। ओके, तो ढेरों खबरों वाले शेयर्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर, इस समय मार्केट एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आइए फिर इस एक्शन को आगे बढ़ाते हैं। काफी सारे स्टॉक्स हैं जो बढ़िया मूवमेंट दिखा रहे हैं। जैन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किरण जी, राकेश जी, सिमी जी और वागले साहब भी हमारे साथ तैयार हैं, और मेटल से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि वहीं पर आ रहा है भरपूर एक्शन इस समय। जेएसडब्ल्यू स्टील पर नजर रखिए, वैसे तो सारे के सारे स्टॉक्स मल्टी ईयर हाइज पर आपको देख रहे हैं, बल्कि मल्टी डेकेड हाइज कह सकते हैं इस समय। जेएसडब्ल्यू स्टील, सिटी साहब आज सुबह यहां पर खरीदारी की राय देकर गए थे, 675 के टारगेट्स दिए थे उन्होंने, फिलहाल आप देखेंगे तो स्टॉक 710 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। किरण जी, आज सुबह आपने भी कहा था खरीदिए इसको और जबरदस्त मूव आई है, 715 के तो आपके ही टारगेट से 714 का है, बताएं सर जेएसडब्ल्यू स्टील क्या चल रहा है इस पे? दीप, वेरी गुड आफ्टरनून। यस, बिल्कुल स्ट्रेंथ तो देखने को मिल रही है, टारगेट्स डेट 1 रुपए से चूक गए, पर मेरा मानना है कि आज के सत्र में वो आ जाने चाहिए, वो भी उसके ऊपर भी जाने की क्षमता ये स्टॉक रखता है। जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है दीप, मुझे लगता है कि इधर से और भी अगले 1-1.5 घंटे में इसमें भी एक अच्छी मूव आनी चाहिए। मुझे लगता है कि 725 के टारगेट्स आज देखने को मिल जाने चाहिए, तो लॉन्ग पोजीशन जिनके पास है उनको 704 या 703 का स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस रखने की सलाह होगी। इधर से मुझे लगता है 725 के लेवल्स आज के सत्र में देखने को मिल जाने चाहिए।
बिल्कुल, तो 725 तो आज ही आते हुए दिख रहा है। किरण जी ने भी आज सुबह आपको कहा था खरीदारी करिए इस काउंटर पर, और देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील क्या बढ़िया मूव आ गई। 693 पर किरण जी ने खरीदारी की राय दी थी और उनके टारगेट के बेहद करीब है। वागले साहब, आपने भी बजाज फिनसर्व पर राय दी थी, हालांकि मे फ्यूचर्स की आपने बात करी थी 11200 के लेवल्स के लिए, वहां पर भी बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। अगर किसी ने पोजिशन लिया तो अभी क्या करना चाहिए, पोजिशन को कैसे ट्रेल करें सर? दीपांशु, वैसे टारगेट तो आ गया है क्योंकि हमारे 100 रुपए की रिस्क थी और 300-325 रुपए का रिवॉर्ड था। 11,200-11,225 का टारगेट है जो ऑलरेडी आ गया है, तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता। ओके, शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको आते हुए दिख रहा है अगर आपके टारगेट्स के करीब आते हुए दिख रहा है। देखिए टारगेट्स तो आ ही गए जो वागले साहब ने सुबह बात करी थी, तो मुनाफा बुक करना भी बेटर ही रहेगा अगर यहाँ से बाजार आपको थोड़ा हल्के होते हुए दिखते हैं। पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय, दमदार एक्शन काफी सारे स्टॉक्स पर बनते हुए दिख रहा है। इस बीच कल शाम एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ था बाजार में। सेबी ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी हैं म्यूचुअल फंड्स AMCs के लिए, जहां पर आप जो फंड मैनेजर्स हैं उनके लिए कुछ इंटरेस्टिंग गाइडलाइंस हैं, तो इस पर थोड़ी देर में हम एक चर्चा करेंगे और जैन साहब से भी इस पर व्यू लेंगे कि क्या मतलब समझें इसका, और ऑफ कोर्स अगर ये स्टॉक स्पेसिफिक लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि नहीं। पर आइए तब तक कुछ और काउंटर्स जो इस समय आपको बढ़िया मूव बनाते हुए दिख रहे हैं वहां पर नजर डालते हैं। नैल्को, यहाँ पर भी 4.5% का उछाल है। आज सुबह शायद नैल्को के बारे में भी हम बात कर रहे थे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, मेरे को याद है एक कॉल नैल्को पर भी आपको आते हुए दिखा था। किरण जी की पिक ऑफ द सीरीज था, किरण जी रिवाइज करना चाहेंगे कुछ लेवल्स? पिक ऑफ द सीरीज है वैसे 4.5% ऊपर, बट मोमेंटम इस पर भी बढ़िया दिख रहा है। पिक ऑफ द सीरीज है तो मुझे लगता है कि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो कुछ चेंज नहीं करना चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस 59.50 के आसपास थे, अभी मैं 61.50 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, पर मुझे लगता है कि जो 75-79 के टारगेट दिए थे वो आराम से हासिल होते नजर आ जाने चाहिए। मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, जिस तरीके से ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, जो वॉल्यूम वो काफी ओके। थोड़ा किरण जी के ऑडियो में इशू आ रहा है, दोबारा उनके साथ कनेक्ट करते हैं, बट पिक ऑफ द सीरीज है, आराम से होल्ड करके चलिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये काउंटर भी आपको एक बड़ी मूव आगे दिखा सकता है। पर बड़ी मूव दिखा रहे हैं कुछ और काउंटर्स इस समय, फाइन ऑर्गेनिक्स यहाँ पर रखिए नजर। सिमी जी भी हमारे साथ हैं और केमिकल स्टॉक सिमी जी भी काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं। सिमी जी, फाइन ऑर्गेनिक्स पर नजर डालिए, 3,000 के करीब है स्टॉक, 6.5% ऊपर इस समय। दीपांशु, मुझे लगता है कि स्टॉक अभी भी होल्ड किया जा सकता है। बहुत बड़ा मोमेंटम आज ही का सेशन में देखने को मिला था, कल तक तो ये कंसोलिडेट ही कर रहा था, आज ही के मोमेंटम मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा 100 रुपया का अगर कोई स्टॉप लॉस लगाता है तो लगा के होल्ड करना चाहिए। स्टॉक में जितना पोटेंशियल और जितना मोमेंटम है, मुझे लगता है कि 3,200-3,250 का जो हाई बनाया था इसने सेप्टेम्बर के महीने में, 3,260 का हाई बनाया था, वो हो सकता है कि नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में हासिल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अभी भी ये होल्ड किया जा सकता है। ओके, तो अभी भी ये होल्ड किया जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है। फाइन ऑर्गेनिक्स जबरदस्त मूव इस पर आती हुई दिख रही है, ढेरों कैश स्टॉक्स में भी आपको एक्शन भरपूर बनते हुए दिख रहा है। पर आइए, देवांशी हमारे साथ तैयार है बताने के लिए कि क्या नई सेबी की गाइडलाइंस आई हैं फंड्स को लेकर और स्पेशली फंड के मैनेजर्स को लेकर। देवांशी बताइए। आज के दिन ये खबर आती हुई दिखी थी कि सेबी ने गाइडलाइंस जारी कर दी थी, और सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार अब वो जितने भी अहम एम्प्लॉयज होते हैं म्यूचुअल फंड के, उनको अब अपने सैलरी में जो 20% का कंपनसेशन जो होगा वो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में दिए जाने की बात होती हुई दिख रही है। ये फिलहाल सिर्फ गाइडलाइंस है जो सेबी की तरफ से आती हुई दिख रही है। जिस तरह से फ्रैंकलटन का जो मामला होता हुआ दिखा था, इसके चलते ये गाइडलाइंस अब जारी होती हुई दिखी है। अगर जो जिस तरह से हम देख रहे हैं जो एम्प्लॉय होते हैं जिस भी स्कीम को होल्ड करते हैं उनके जो यूनिट्स हैं वो फिलहाल एम्प्लॉय को दिए जाने की बातचीत होती हुई दिख रही है।
ये जो नियम है वो पहली जुलाई से लागू होते हुए दिखेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो स्कीम्स उनको अलॉट कर दिए जाएंगे, जो यूनिट्स उनको अलॉट करेंगे, वो केवल ओपन एंडेड स्कीम्स के लिए लागू होंगे। क्लोज फंड्स के लिए अभी तक कोई गाइडलाइंस जारी होती हुई नहीं दिखी है। अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तो एम्प्लॉयज इसको गिरवी रख सकते हैं, इसके बदले में उनको उधार भी मिल सकता है, ये फिलहाल गाइडलाइंस में मेंशन किया गया है। लेकिन अगर कोई फ्रॉड होता है तो हम देखेंगे कि उनको अपने जितने भी यूनिट्स हैं वो कंपनी को दे देने पड़ेंगे और फोरफिट हो जाएंगे, ये फिलहाल गाइडलाइंस में मेंशन किया गया है। और इसके चलते आप देखिए जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे कि यूटीआई, एमसी, एचडीएफसी, एएमसी, निपोन लाइफ, ये सारे स्टॉक्स हैं जिस पर आज इंपैक्ट होता हुआ दिखेगा इसके चलते। बिल्कुल, और थोड़ा इम्पैक्ट हो ही रहा है, हालांकि कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आते हुए दिख रहा है। यूटीआई, एएमसी अपने नतीजों पर भी रिएक्ट कर रहा है, घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। पर जैन साहब हमारे साथ हैं, जैन साहब कैसे देखें इस डेवलपमेंट को, अब जो मैनेज कर रहे हैं इन फंड्स को उनका भी इंटरेस्ट रहेगा फंड की परफॉर्मेंस को लेकर, वो उनकी फंड की परफॉर्मेंस अब उनके पे से भी डायरेक्टली लिंक्ड है कहीं ना कहीं, कैसे समझें इस डेवलपमेंट को, इंटरेस्टिंग मूव आई है, इंडस्ट्री का क्या व्यू है इस पे? सर बहुत फार रिचिंग डिसीजन है ये, बहुत ही अलग टाइप का, मतलब मैं मतलब कहीं ना कहीं तो देखिए रेगुलेटर्स की सोच जबरदस्त है इस फ्रंट पे कि वो लोग स्किन इन द गेम देख रहे हैं कि जो लोग मैनेज कर रहे हैं, बट देन लेट्स सी हाउ द इंडस्ट्री रिएक्ट्स। मुझे लगता है कि देखिए एक जना कोई जॉब करने आ रहा है और वो अपने हिसाब से काम कर रहा है और 20% उनका एक तरीके से कैपिटल हो गया जो उसमें डला हुआ है, मतलब वेरी फ्रेंकली मतलब मैं कंफ्यूज हूँ कि इस डिसीजन को लेकर कैसे जो फंड मैनेजर्स हैं वो रिएक्ट करेंगे, बट ओवरऑल यूनिट होल्डर्स के लिए और ओवरऑल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डिसीजन, क्योंकि पास्ट में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से सेबी ऐसा डिसीजन लेने के लिए बाध्य हो रही है और ऐसे स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स लाना ज़रूरी है सो दैट क्वालिटी और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अधेड रहे, और इस चीज़ के लिए तो देखिए हमारे जो रेगुलेटर्स हैं इंडिया के वो माने जाते हैं। बिल्कुल, तो देखते हैं इंडस्ट्री का क्या रिएक्शन रहता है। अनिल जी से भी इस पर एक सवाल करते हैं सर, क्योंकि अनिल जी ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर काफी रिएक्शंस आ रहे हैं इस खबर को लेकर, और काफी सवाल भी उठ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी भी मूव है, कुछ लोग कह रहे हैं पता नहीं कैसे इंप्लीमेंट होगा, हर फंड मैनेजर की खुद की रिस्क एपेटाइट भी अलग होती है, तो उनके पे को आप कैसे लिंक कर रहे हैं, बट कैसे समझे सर इस डेवलपमेंट को, एक इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस है इसके पीछे रेगुलेटर का? दीप जैसे आप देखना चाहें वैसे, इसको आसान भाषा में मैं समझाऊं तो जैसे कि अभी सेठी साहब आएंगे सदाबहार, सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स, और अभी जैन साहब हमारे साथ बैठे हैं जेम्स वाले और बाकी एसपीएल वाले मेहमान बैठे हैं, कि इनको ये कहा जाए कि जो जो शेयर आप रिकमेंड कर रहे हैं कम आप अपनी कमाई का 20% पैसा इन सारे शेयरों में आपको डालना कंपलसरी है ना, बराबर बराबर पोर्शन में या कोई पोर्शन में, एग्जैक्टली ये वैसा ही है। जैसे बंसल जी ने कहा कि भाई ये स्टॉक आप रिकमेंड किया, या सिमी जी ने, या किरण जी ने, ये वैसा ही वाला मामला है कि आपने जो मिठाई बनाई है उसका स्वाद आप खुद चखिए, ऐसा ऐसा सेबी करने की कोशिश कर रही है। वजह क्या है, पहले उसमें जाते हैं, ऐसा क्यों कर रही है सेबी? सेबी ऐसा इसलिए कर रही है कि भाई देखिए जो कुछ भी काम आप कर रहे हैं लोगों का पैसा मैनेज करने का, उस पैसे को आप जिम्मेदारी के साथ मैनेज करें, ट्रांसपेरेंसी के साथ मैनेज करें, और अच्छे शेयर आप खरीदें, तो इसका मतलब क्लियर कट है, अगर आपका खुद का सैलरी का 20% पैसा कंपलसरी उसमें जा रहा है तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से करेंगे, ये सोच है उनकी इसके पीछे, ये और ये सोच आई है वो फ्रैंकलिन टेम्पलटन की स्कीम्स में जो कुछ हुआ उसके बाद आई है। अब इसमें सोच अच्छी है और इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए, 3 साल का लॉक इन पीरियड है तो लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी सब ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में हर फंड मैनेजर बोलता है कि पैसा तो बनता ही है, इक्विटी से बढ़िया कोई एसेट क्लास नहीं है, तो फिर उनको पैसा लगाने में दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत एक ये कि अब हर ऑर्गेनाइजेशन अगर जो सैलरी दे रहा है उसमें से 20% डायरेक्टली आपका इन्वेस्टमेंट में चला गया, अब वाकई में हर एक फंड मैनेजर की ये कैपेसिटी है या नहीं? फर्ज करें किसी फंड मैनेजर ने तीन महीने पहले बड़ा सा होम लोन लेके घर खरीदा है और उसका कैश फ्लो उस हिसाब से, और 1 जुलाई से अगर उसके 20% वहां चले गए, बाकी टैक्स में चले गए, बाकी ये सब हो गया, तो हाथ में कैश कितना बचेगा नहीं, ये सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो आपके सामने आएंगे। इंटेंट अच्छा है,
इन्वेस्टमेंट में पैसा भी बनेगा। कई बार क्या होता है कि है ना, सारे जो जितने समझदार लोग होते हैं ना, जो दूसरों को एडवाइस करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, पैसा मैनेज करने के बारे में, खुद के दिया तले अंधेरा होता है। मेरे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्त हैं, मतलब कम से कम जिंदगी में मैं 3 से 5 हज़ार चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे होंगे दीप, जिनको मैं पर्सनली पहले नाम से जानता हूँ। और मैक्सिमम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का फाइनेंशियल प्लानिंग बड़ा भगवान भरोसे चलता है, क्योंकि कमाई आती रहती ना, तो कोई टेंशन होता नहीं है। तो और वो लगते हैं कि हम तो खुद समझदार हैं, तो अपने फाइनेंशियल्स पे आप खुद जानबूझकर ध्यान दे नहीं पाते हैं, जानते हुए भी। तो इसी बहाने हो सकता है कई सारे फंड मैनेजर्स का, म्यूचुअल फंड्स के एम्प्लॉयज का कंपलसरी पैसा लग गया, तो अल्टीमेटली वेल्थ उनकी बनेगी। तो लॉन्ग टर्म में तो मुझे नहीं लगता कि ये म्यूचुअल फंड्स के एम्प्लॉयज के लिए और म्यूचुअल फंड्स के लिए दोनों के लिए खराब है, दोनों के लिए बहुत अच्छा डिसीजन है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में आपके कैश फ्लोज, सैलरी के स्ट्रक्चर, ये किस तरह से होंगे, ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये म्यूचुअल फंड्स को अपने मैनेजमेंट के साथ बैठ के निपटानी होगी, ताकि उनके एम्प्लॉयज को वो बरकरार रख पाए, मेंटेन कर पाए, होल्ड कर पाए। बाकी अदरवाइज इंटेंशन अच्छा है, पैसे भी बनेंगे सबके जो जो पैसा लगाएगा, और ऑप्शन भी पूरे दिए हैं। अगर आप एक ही स्कीम मैनेज कर रहे हो तो दूसरी में भी डाल दो, आप डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो। तो आइडिया तो बढ़िया है, मुझे तो पसंद आया है, लेकिन अब यही है कि जहां तक म्यूचुअल फंड का है तब तक तो ठीक है, लेकिन जेंट्स साहब को अगर बोले कि रोज आपके जेंट्स वाले शेयर खरीदने, तो जेंट्स साहब के इतने पास पैसे रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो देखने वाली बात होगी। मजेदार है, देखते क्या कुछ होता है आगे, इंडस्ट्री किस तरह से रिएक्ट करती है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। मूव इंटरेस्टिंग मूव आ रही है सभी की तरफ से, देखते हैं इंडस्ट्री इस पर किस तरह का रिएक्शन देती है। आज वैसे अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो काफ़ी सारे बातचीत हो रही है इस खबर को लेकर। आइए कुछ और काउंटर्स पर बात करें। ये तो रही म्यूचुअल फंड्स की बात और किस तरह से एक नई मूव आई है, पर आने वाले समय में सेंसेक्स में कुछ बदलाव हो सकते हैं, एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट इसके बारे में आई है। आइए आशीष से जानते हैं क्या है ये रिपोर्ट और क्या बदलाव संभव है सेंसेक्स में। आशीष बताइए। इसी स्टॉक का जो है इंडेक्स में से बाहर होते हुए नजर आएगा। दरअसल अगर आप देखें तो इंडेक्स में शामिल और बाहर होने का जो सबसे मेन पैरामीटर होता है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैप होता है, और फिलहाल अगर आप ONGC का फ्री फ्लोट देखेंगे तो पूरे इंडेक्स के 30 स्टॉक्स में सबसे कम है, करीब करीब आप देख लीजिए 35,000 करोड़ के आसपास से। दूसरे नंबर पर आता है बजाज ऑटो, तीसरे पर है NTPC। इन स्टॉक्स का जो है जो फ्री फ्लोट है काफ़ी कम है, लेकिन जब एंट्री होगी तो इसके लिए भी सबसे बड़ा पैरामीटर यही होता है कि कौन सा स्टॉक ऐसा है इंडेक्स के बाहर जिसका फ्री फ्लोट काफ़ी ज़्यादा है, और पहला प्रेफरेंस पहला नाम आता है विप्रो का। यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी का जो फ्री फ्लोट है एवरेज वो करीब 61,000 करोड़ के आसपास का है, तो पूरी संभावना है कि जो विप्रो है इसकी एंट्री होते हुए नजर आएगी। टाटा स्टील यहां पर भी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि हाल ही की जो तेजी आई है उसके बाद से जो फ्री फ्लोट है इसमें एक बढ़िया बढ़त देखने को मिली है। हालांकि एक और बात खास ये भी है कि दिसंबर में जब रीबैलेंसिंग हुई थी सेंसेक्स की, इससे ये इंडेक्स से बाहर हो गया था, इससे डॉक्टर रेड्डीज ने रिप्लेस किया था। और टाटा स्टील का अगर आप फ्री फ्लोट देखेंगे फिलहाल तो करीब 48,247 करोड़ के आसपास है, तो टाटा स्टील की भी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो है वो विप्रो की नजर आ रही है। चलिए, तो टाटा स्टील शायद वापस आपको सेंसेक्स में आते हुए दिख सकता है, बट ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी तो यही दिख रही है, इस समय प्रोबेबिलिटी यही दिख रही है कि शायद विप्रो होगा। आपको याद दिला दें, जब सेंसेक्स ने 50,000 का स्तर छुआ था तो हमने हाईलाइट किया था कि कैसे टाटा स्टील जो सेंसेक्स की ओरिजिनल 30 स्टॉक्स की लिस्ट बनी थी 1986 में, उसमें शामिल था और लंबी पारी थी, दिसंबर में ही बाहर आया था, पर लग रहा है कि 6 महीने बाद शायद वापस आपको आते हुए दिखे सेंसेक्स में, पर विप्रो की संभावना थोड़ी ज्यादा है और ONGC की हो सकती है एग्जिट। तो ये एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, देखते हैं किस तरह से यहाँ पर बदलाव आपको होते हुए दिखते हैं। एक बार विप्रो पर कॉल ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से, क्योंकि हमने देखा कि पिछले हफ्ते थोड़ा इंटरेस्ट विप्रो में आते हुए दिखा था, बाकी आईटी कंपनीज के मुकाबले इसने थोड़ा ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था जहां तक लार्ज कैप आईटी का सवाल है। किरण जी, जरा विप्रो पर अपनी राय दें। सर, विप्रो चार्ट पैटर्न अभी भी स्ट्रांग है, हमने लगभग 450 से कंसिस्टेंटली हम लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की सलाह देते आ रहे हैं, और अभी के लिए मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस रहेगा 480 के आसपास, होल्ड करने की सलाह है। 493 से लेके 500 एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस जोन है, ये एक बार निकल जाए तो ये एक आउट परफॉर्मर के तौर पे खरा उतरेगा। जहां पे TCS, इंफोसिस, बाकी के HCL टेक नीचे के स्तर दिखा रहे हैं, विप्रो एक IT काउंटर है जो कि लगातार एक नए हाईज बनाते जा रहा है, तो इधर स्ट्रेंथ है।
और दीप मेरे लिए प्लीज बिगुल बजवाइए और एक बेहतरीन कॉल लेके आ रहा हूँ। ओके किरण जी आपके लिए बिगुल बजाते हैं और फिर सिमी जी भी अपने कॉल देने के लिए तैयार हैं, तो पहले बिगुल किरण का कमाल। बताएं सर, जेएसडब्ल्यू स्टील के बाद नेशनल एल्यूमिनियम और उसके बाद अभी मैं खरीदी करने की सलाह दे रहा हूं वेदांता, वीईडीएल। वेदांता में बाय करने की सलाह है। इस ये भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन बैरियर का लेवल क्रॉस कर दिया है बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। अभी भी इसी सीरीज में 25 लाख शेयर है जो कि शॉर्ट ट्रैप हो चुके हैं। मेरा मानना है कि इधर से आज के लिए 259 के लेवल्स देखने की ताकत ये स्टॉक रखता है और इधर से मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 251 है, तो इधर से भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, तो ये छोड़ना नहीं चाहिए। अगले एक घंटे के लिए ये स्टॉक 259 लेवल्स टेस्ट कर सकता है। और इसी के साथ वागले साहब का भी कॉल इसी पर, तो वागले साहब एक बार आप भी अपनी राय दे दें वेदांता पर। अनिल जी अलग लेवल्स नहीं है, इंपैक्ट नहीं है, कहना चाह रहा था कि अभी एक ही स्टॉक है मेटल स्पेस में जो रिस्क टू रिवॉर्ड मैच हो रहा है, क्योंकि जेएसडब्ल्यू स्टील नैल्को सारे बहुत ज्यादा ऊपर चले गए। मुझे वेदांता 260 तक जाते हुए दिखता है, तो अभी 255 हो गया, लेकिन मैंने जब किया था 253-80 के आसपास था, तो 2-2.5 रुपए का स्टॉप लॉस 260 का और 260 का टारगेट, ये ट्रेड सेटअप बैठता है। ओके ये है आपके लिए राय। और इस बीच आइए एक्सपायरी के दिन आपको इंतजार रहता है हीरो या जीरो कॉल्स का, और विश्वेश जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर देने के लिए हीरो या जीरो कॉल। स्वागत है विश्वेश जी आपका, बताएं सर हीरो जीरो कॉल किसमें, निफ्टी बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक में? सर बैंक निफ्टी का 33,800 का कॉल ऑप्शन मैंने 40 पे आइडेंटिफाई किया था, अभी 60 हो गया। मुझे लगता है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक 34,000 तक की शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, 300 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग, तो उस लिहाज से इस 33,800 के कॉल ऑप्शन को खरीदना चाहिए। मुझे लगता है 150 और 200 रुपए तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 40 तक आया तो और ऐड करना चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं जो एक अनकंफर्टेबल सिग्नेचर आज ये था, डेटा में अक्यूमुलेटेड ऑप्शंस निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का टोटल अक्रॉस ऑल स्ट्राइक अनवाइंडिंग दिख रहा था, ये थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। दिस मीन्स कि मार्केट नीचे जा रहा है फिर भी कॉल राइटर अपनी पोजीशन अनवाइंड कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक स्पर्ट हो सकता है बैंक निफ्टी में, तो इसके लिए 33,800 का कॉल ऑप्शन 00 मेरी ओर से। ओके तो ये है आपके लिए 40 से 60 रुपए की रेंज में खरीदें, नीचे आए तो और ऐड करें, 150 से 200 के टारगेट हीरो या जीरो ट्रेड है। कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है या फिर जीरो या फिर हीरो जो होगा वो देखा जाएगा? मेरे हिसाब से तो अनिल जी हीरो जीरो रखेंगे तो ही बेटर रहेगा, लेकिन मुझे अनिल जी मैं डेटा थ्रो करूंगा थोड़ा सा और ट्रेड तो हमने शेयर कर दिया। देखिए निफ्टी में जब मार्केट ऊपर गया था तो 1,88,00,000 शेयर्स का टोटल जो ओपन इंटरेस्ट था वो ऐड हुआ था, अब हम मार्केट नीचे आ रहा है और टोटल कॉल का ओआई घट रहा है, व्हाट इट मींस कि क्या हम सेकेंड हाफ में बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये राइटर जो है वो कॉल की पोजीशन काट रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, ये एक सिग्नेचर होता है जब बड़ा मूव स्पॉट देने की कोशिश होती है, तो इसीलिए हीरो जीरो ट्रेड दिया है 33,800 के कॉल ऑप्शन में, कि अगर मूव आया तो बैंक निफ्टी एक बार के लिए वापस 34,000 के कॉल जाता। देखिए मार्केट में इतनी ताकत नहीं है कि 15,000 के कॉल निकाले, क्योंकि वहां पर अभी जो ओपन इंटरेस्ट है वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ शेयर का है, तो वो तो नहीं हिलेगा, लेकिन बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कॉल्स में अभी कंसेंसस नहीं बना है, तो 33,800 का कॉल इसीलिए मेरी ओर से आया। ओके ठीक बात है, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई बैंक निफ्टी का हीरो या जीरो कॉल, 33,800 का कॉल 40 से 60 रुपए की रेंज में खरीदे, 150 से 200 के टारगेट। शुक्रिया विश्वेश जी आपका इस बेहतरीन कॉल के लिए। आइए सिमी जी के लिए बिगुल, सिमी के सुपर हिट और उसके बाद सिमी के नॉनस्टॉप शेयर और साथ ही उसके बाद हम 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी जल्दी फिर, ताकि 2:30 बजे आपके लिए सामने आ सके जल्दी से सिटी साहब। बताएं सिमी जी।
अनिल जी, खरीदने का सलाह देना है भारत फोर्ज में। स्टॉक में 2 बजे के बाद से बहुत बेहद बढ़िया वॉल्यूम के साथ काम हो रहा है। स्टॉक लास्ट 15 ट्रेडिंग सेशन का जो भी हाई था उसको क्रॉस करके अभी आगे निकल चुका है। मैं 604 से देख रही हूँ, अभी 610 बन गया। मेरा पहला टारगेट 616, दूसरा 620, तीसरा 626। ये तीनों टारगेट्स के लिए भारत फोर्ज को खरीदने का सलाह है। मैं 597 का स्टॉप लॉस के साथ दे रही थी, अभी 610 तो हो गया, 612 का भी हाई बन चुका है। यहाँ पे अगर कोई ले रहे हैं तो इंट्राडे के लिए 600 का ही स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट्स याद रखें 616, 620 और 626। ये तीनों टारगेट्स के लिए भारत फोर्ज को खरीदने का सलाह होगा मेरे तरफ से। बिल्कुल, तो भारत फोर्ज पर रखिए नजर। सुबह थोड़े एक्शन में आया था, फिर सुस्त हो गया, अब फिर से मोमेंटम पकड़ रहा है ये काउंटर। बाजार भी थोड़ा उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं, पर 14900 के ऊपर निफ्टी होल्ड कर रहा है। विश्वेश जी ने कहा है बैंक निफ्टी पर थोड़ा बाउंस बैक आना चाहिए। आइए जानते हैं इंडेक्स के लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं अनिल जी के पास मार्केट स्ट्रेटजी के लिए। सर, एक्सपायरी का दिन है, थोड़ी वॉलेटिलिटी है, बट ग्लोबल क्यूज काफी मजबूत है। हम सुबह से ही देख रहे हैं डाउ पर इस समय आपको दिखेगी 125 अंकों की तेजी। नैसडैक फ्यूचर्स और बढ़िया तेजी के साथ आपको मूव करते हुए दिख रहे हैं, 135 पॉइंट्स ऊपर हैं। और एप्पल फेसबुक दोनों के नतीजों का आज रिएक्शन भी शाम को अमेरिकी बाजारों में दिखेगा। यूरोप में बढ़िया शुरुआत हुई है सर, अगर आप यूके और फ्रांस देखें तो 0.5% से ज्यादा की तेजी है। जर्मनी थोड़ा सुस्त है और एशिया में भी हमने हांगकांग, चाइना, जापान तीनों में ही, जापान तो आज बंद है सॉरी, बट हांगकांग और चीन दोनों में ही बढ़िया एक्शन देखा है। तो ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव दिख रहे हैं सर, बताएं हमें क्या करना चाहिए। दीप, देखिए पहले आज अगले एक घंटे पे पहले फोकस करते हैं एक्सपायरी के लिए, आज से कहां हो सकती है एक्सपायरी पहले वो समझ ले। दो चीजें हैं, 14,800 के नीचे नहीं होगी और 15,000 के ऊपर नहीं होगी, और उसके बीचों बीच आप 14,910 के आसपास हैं। ये तो एक आसान सा काम हो गया, 14,800 पर 57 लाख शेयर हैं पुट में और 15,000 पर आपके लिए 94 लाख शेयर हैं कॉल्स में। तो जैसा अभी विश्वेश जी बोल रहे थे कि कॉल राइटर बहुत बड़ा खड़ा है बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी के लिए 15,000 को पार करना ऑलमोस्ट नामुमकिन लगता है, संभावना बहुत कम है। अब तक तो डेटा से यही दिख रहा है, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो फिर संभावना क्या है, ज्यादा किस तरफ हो सकती है, 14,850 या 14,950, वहां पर भी पोजीशन एकदम बैलेंस्ड है। 14,850 पर 31 लाख शेयर पुट है, तो 14,950 पर आपके लिए पुट है 32 लाख शेयरों का। अब इन सबको देखते हुए जो ज्यादा संभावना दिख रही है डेटा के लिहाज से दीप, वो ये दिख रही है क्योंकि 14,900 पर पुट राइटिंग ज्यादा खड़ी है, तो ज्यादा संभावना ये कि आप एक्सपायरी 14,950 के आसपास, यानी कि यहां से भी कम से कम 35-40 पॉइंट ऊपर देखें। तो 14,900 के नीचे एक्सपायरी होने की संभावनाएं कम है, 14,900 के ऊपर एक्सपायरी होने की संभावनाएं ज्यादा है। और चूंकि ट्रेडिंग रेंज के आप बीचों बीच में, इसलिए कोई फ्रेश ट्रेड अभी लेने का मतलब नहीं है, लेकिन एक्सपायरी के लिहाज से आप उम्मीद कर सकते हैं अभी तक के जो डेटा है। और अगर 14,900 को हमने नहीं तोड़ा थोड़ी देर आगे अगले कुछ मिनटों में, तो फिर 14,950 तक की एक्सपायरी होने की संभावना है। नहीं तोड़ेंगे ऐसा लग रहा है क्योंकि 14,900 पर पुट राइटिंग अच्छी होकर रखी है, तो ज्यादा संभावना यह है। तो ये डेटा दिखा रहे हैं कि आप 14,950 के आसपास एक्सपायरी पर पहुंच सकते हैं। तो पहली तो बात हुई यहां पर एक्सपायरी की। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का आज का लो है 33,300, हाई है 34,300 के आसपास, ठीक है। अब आप आइए 33,500 के नीचे एक्सपायरी होने की संभावना काफी कम है, जो डेटा बता रहे हैं 17 लाख शेयर हैं वहां पर, 11 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, और 34,000 के ऊपर भी एक्सपायरी नहीं होगी इस बात की भी पूरी संभावना है, 23 लाख शेयर है वहां पर। तो आपके लिए बचे हुए समय के लिए रेंज बची है 33,500 से 34,000 के बीच में, ये आपके लिए रेंज है। इस रेंज में कहीं कहीं आपकी एक्सपायरी होनी चाहिए। और अब उसको आप कल के डेटा के लिहाज से मिलाकर देखें तो ज्यादा संभावना है कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कहीं कहीं इसी बीच में बिना कोई बड़े उतार चढ़ाव के हो सकती है। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 33,700 के आसपास ही होने की संभावना है ज्यादा नजर आ रही। तो 500 पॉइंट की रेंज है बीचों बीच में, 200 पॉइंट की रेंज निफ्टी में बीचों बीच में, निफ्टी में थोड़ा सा ऊपर एक्सपायरी के चांस ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में उतने मजबूती वाले चांस नहीं। तो अब जरूरी है कि निफ्टी अगर बैंक निफ्टी को ऊपर ले जा पाए तो ठीक, नहीं तो फिर बैंक निफ्टी निफ्टी को नीचे भी ला सकता है। तो मजबूती के लिए लीडरशिप निफ्टी से, कमजोरी की लीडरशिप बैंक निफ्टी से आ सकती है, इन दोनों को बैलेंस बनाकर आप ध्यान में रखें। तो ओवरऑल ये डेटा है आपके लिए निफ्टी पर एक्सपायरी के लिहाज से। जी दीप,
ओके, तो ये है आपके लिए डेटा एक्सपायरी के लिहाज से। नजर रखते हैं किस तरफ एक्शन होता रहता है। 14,900, 33,700, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आपके लिए जो अनिल जी ने हाईलाइट करे हैं। सिटी साहब जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर में अपनी शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए। उससे पहले एक कॉल आ रही है सिमी जी की तरफ से, बिल्कुल सिमी के नॉनस्टॉप शेयर्स का। बताए सिमी जी, खरीदारी का कॉल देना है दीपांशु, और खरीदारी करना है, करवाना है हिंडाल्को में। हिंडाल्को मुझे लगता है कि वापस से डे हाई टेस्ट करने के लिए तैयार हो गया है। 370 के आसपास मैंने देखा था, 365 का मैंने स्टॉप लॉस रख रहा था। 365 का स्टॉप लॉस के साथ हिंडाल्को को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 375 का पहला, 377 का दूसरा, डे हाई क्रॉस हो जाएगा तो 380 के ऊपर भी क्लोजिंग आ सकती है। तो 365 का स्टॉप लॉस के साथ हिंडाल्को को खरीदने का सलाह होगा मेरे तरफ से। और VADL का जो कॉल अभी सब लोग दे रहे हैं, मैं सुबह VADL का मतलब वेदांता का कॉल मैंने दिया था BTST में। वेदांता आपके सुबह कॉल में था ही, और वेदांता आपने सुबह सुबह 248 में खरीदारी करने की राय दी थी और उस स्टॉक ने भी कमाल दिखाया। अब 375, 77, 80 छोटे छोटे तीन टारगेट हैं सिमी जी की तरफ से आते हुए आपके लिए हिंडाल्को पर। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है अब सेठी साहब से मुलाकात करने का। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब स्वागत है आपका। बताएं सर, आज किस तरह की कॉम्बिनेशन है, कैश फ्यूचर्स कैसे बनाएं, कौन स्टॉक्स कितने हैं? हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी। दो स्टॉक क्या, दोनों में खरीदारी करनी है, और आज कैश मार्केट से दो स्टॉक पिक किए हैं बिकॉज उसका एक कारण है, आज FNO की मंथली एक्सपायरी है और अभी एक घंटा बाजार है तो काफी उठा पटक हो सकती है। और बाकी रडार पे मेटल स्टॉक्स ही आ रहे थे जो कि बाकी पैनल में सब एक्सपर्ट कवर कर ही रहे हैं, और जिन स्टॉक्स को निचले लेवल्स पे मतलब यहाँ से 20-30% नीचे अभी एक महीने के अंदर रिकमेंड करे हुए हैं वो सब आज 20-30% बढ़ गया। अब यहाँ पे आके थोड़ा उनको रिकमेंड करने में थोड़ी हिचक है। कोई बात नहीं, तो कैश के बताइए सर, आप जहाँ हिचक नहीं है वो बताइए। अनिल जी, जो कैश मार्केट का स्टॉक है, पहला स्टॉक है एक IT सर्विसेज कंपनी है, कंपनी का नाम है सिग्निटी टेक्नोलॉजी, जो की 405 रुपए पे ट्रेड करता है स्टॉक। ये दुनिया की वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन क्वालिटी इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी के फॉर्च्यून 500 में 50 क्लाइंट्स है। एक दमदार कंपनी है, छोटी मार्केट कैप वाली छोटी साइज की कंपनी है, वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते है, 10 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, रिटर्न ऑन इक्विटी 45%, डेट इक्विटी रेशियो 0.31। आज इसको पिक करने के पीछे कारण है कि इसके आज एक नतीजे आने वाले हैं और मैं आशा कर रहा हूं कि नतीजे दमदार होंगे, तो मुझे लगता है ये स्टॉक 405 के लेवल पे खरीदना चाहिए। 425 का टारगेट है, 395 का स्टॉप लॉस, और जहां तक मुझे याद आता है संदीप ने भी इस स्टॉक को अपने जेम्स में रिकमेंड करा हुआ है लगता है। बिल्कुल, ये तो पहली बार नाम ही तब सुनने में आया जब जेन साहब के जेम्स में आया था। जेन साहब के जेम्स में बहुत सारी ऐसी चीजें ना, जब आप जेम्स खरीदने जाते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी, अरे ये तो हमने पहले कभी देखी नहीं, इतनी बढ़िया इतनी अच्छी चीज है, तो अच्छी चीजें कम देखने को मिलती है। जेन साहब आपके जेम्स में अब डिस्प्ले पर आ गया, जो पहले मतलब अंदर खजाने में होता था, अब शोरूम में बाहर डिस्प्ले पर है सिग्निटी। देखिए सेठी साहब को भी पसंद आ रहा है, आपको शिकायत नहीं है सेठी साहब से कि इतने छोटे टारगेट दे रहे हैं मेरे जेम्स के लिए सिर्फ 425 के? नहीं नहीं, बिल्कुल खुश हूं मैं तो कि सेठी साहब ने भी मोहर लगा दी, और मैंने इनफैक्ट इसको देखिए जब बहुत बुरा वक्त चल रहा था मार्केट्स का, अगस्त में लगभग आई थिंक 300 के नीचे के लेवल्स पे रेकमेंड किया था, और अभी भी सेठी साहब ने जो लॉजिक दी है कि बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे और 45 के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और बड़े बड़े नाम मतलब फनीश मूर्ति जी जैसा नाम भी जुड़ा हुआ है, और जबरदस्त पेडिग्री वाली कंपनी है, मुझे लगता है कि आराम से ये 500 रुपए के लेवल्स भी छुएगा। बाकी उनका शॉर्ट टर्म का टारगेट तो मुझे लगता है कि आजकल में अचीव हो जाएगा। चलिए तो बढ़िया, आजकल में क्या होने की तैयारी में, 420 तो होने आया है, 425 का टारगेट है। सेठी साहब पोजिशनल टारगेट कोई बढ़े? अनिल जी आज अब रिजल्ट है तो एक बार रिजल्ट देखने के बाद मुझे तो मैं कन्विंस हूँ कि रिजल्ट अच्छे आएंगे, और फिर ये आप आने वाले वीक में ही 450 तक के लेवल बिल्कुल इसमें देखे जा सकते हैं। चलिए रिजल्ट के बाद, और रिजल्ट अच्छा है तो
400 तक के टारगेट्स आपके लिए आते दिखेंगे। सिग्निटी टेक ये है वो दमदार स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। आइए बढ़ते आगे और अगला स्टॉक सेठी साहब से पूछ लेते हैं। सेठी साहब बताएं सर दूसरा शेयर आज के लिए। अनिल जी जो दूसरा स्टॉक है आज का वो भी एक बहुत ही दमदार कंपनी है, वैसे एक MNC ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, कंपनी का नाम है फेडरल मोगुल। ये जो अभी जिसका हाल ही में 2-3 दिन पहले OFS आया था, OFS को बहुत ही तगड़ा रेस्पॉन्स मिला, इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में 4 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, रिटेल कैटेगरी में 11 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। ये एक ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली MNC कंपनी है जो दुनिया की वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स है ऑटो कंपोनेंट में, जर्मन पेरेंटेज है और भारत की पिस्टन और पिस्टन रिंग बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। एक 1500-1600 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। एक्चुअली अनिल जी इस कंपनी ने पिछले साल कोई सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार प्रोमोटर्स को खरीदारी करनी पड़ी थी, 665 में ओपन ऑफर दिया था और उसके बाद जो हिस्सेदारी है वो बढ़ के 95% हो गई, तो उसको फिर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 20% ऑफलोड करना था, तो ये OFS आया इतने सस्ते भाव में। वो जो हैंगओवर था वो अब खत्म होने के बाद ये स्टॉक इन लेवल्स पे रहने वाला नहीं है, मुझे नहीं लगता। फंडामेंटल बहुत ही मजबूत है, दिसंबर क्वार्टर के नतीजे थे शानदार, पिछले साल 9 करोड़ के सामने 36 करोड़ का प्रॉफिट, जीरो डेट कंपनी है, MNC कंपनी है और ऑटो कंपोनेंट कंपनी है जो ऑटो सेक्टर बहुत ही अच्छा कर रहा है। ये स्टॉक जो कि अभी 285 के लेवल पे ट्रेड करता है, मेरा शॉर्ट टर्म में 305 का टारगेट है और 275 का स्टॉप लॉस। ओके 275 का स्टॉप लॉस और यहाँ पर 305 के टारगेट के साथ खरीदारी करें और 300 रुपए तक पहुंचा दे 305 तक, तो सेठी साहब आपका टारगेट तो हासिल हो गया। आपका टारगेट हासिल होगा तो मेरा भी हो जाएगा, क्योंकि कल नहीं परसों जब जिस दिन ऑफर फॉर सेल था रिटेल के लिए तब हमने कहा भी कि रिटेल को आप पैसा लगाइए भी, और अगर आपको सेकेंडरी मार्केट से खरीदना है तो स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर भी दिया था। तब मैंने 300 का टारगेट किया था और तब मेरे ख्याल से 268-70 के आसपास ये स्टॉक था। दीप जरा एक बार रिकॉर्ड बताएंगे, फेडरल मुगल बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और यहां पर खरीदारी करने की राय हमारी तरफ से भी आती हुई दिखी, तो आराम से 300। अच्छा ये पहले सीजन में है मेरे ख्याल से, मालामाल वीकली में भी हमने ये स्टॉक शामिल किया था। MNC प्रमोटर है और स्टॉक तो बढ़िया ही है, और मेरे ख्याल से जैन साहब के पास भी ये स्टॉक रडार पे रहा है पहले। जैन साहब आपने भी ट्रैक किया इसे? बिल्कुल बिल्कुल, और इसका मैं श्रेय जो दूंगा ना वो ट्रैक करवाने का, वो मैं हमारे पैनल में भी बैठे हुए किरण जी, उन्होंने करीब 2-2.5 साल पहले मुझे पूछा था कि आपका मुझे इसमें फंडामेंटल वेटिंग भी चाहिए, टेक्निकली बहुत जबरदस्त लग रहा है और ये बहुत अच्छा चला भी था स्टॉक, फिर वापस से नीचे आया। और देखिए जो सेठी साहब ने बहुत बढ़िया से बोला, बायबैक और फिर OFS, ये सारे जो ओवरहैंग सब खत्म हो गए हैं, जबरदस्त कंपनी और आपका मोहर लग ही चुका था फिर मालामाल वीकली का, सो ये स्टॉक तो रुकने वाला नहीं अनिल जी, ये 305 के टारगेट्स तो यूं ही हो जाएंगे और आई एम वेरी बुलिश, मुझे लगता है कि 400-450 के लेवल्स आने वाले कुछ ही दिनों में दिखाएगा ये। अगेन मैंने उस दिन भी बोला था हमारे राजस्थान में भिवाड़ी में इनका प्लांट भी है, तो इसलिए मुझे और भी थोड़ी वो अच्छी लगती है, बट ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। तो ये है आपके लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक फेडरल मुगल। और जब किरण जी जब आपको चार्ट्स आपको आपने पूछा था जैन साहब को, तो फंडामेंटल से संतुष्ट होने के बाद आपने चार्ट्स देखे, चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल अनिल जी, बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है और जैन साहब ने जिस तरीके से मुझे गाइड किया था फंडामेंटली वो बहुत ही बहुत अच्छा था, और यही एक पैनल की खूबी है कि जब टेक्निकली मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं सिद्धार्थ जी या संदीप जी से पूछ लेता हूं और वाइस वर्सा हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है और उसके वजह से कन्विक्शन बढ़ जाती है। और जिस तरीके का अब भी पोजिशनड है FM Goetz या फेडरल मुगल, इधर से मुझे लगता है कि 350 के टारगेट्स आपको मीडियम टर्म आउटलुक से आराम से देखने को मिल जाने चाहिए। ओके तो मंगलवार को हमने रिकमेंड किया था स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर फेडरल मुगल को 272.50 रुपए में, और टारगेट 280.85 का, 280 का सेम डे आ गया था, 285 का दूसरे दिन आया था, 295 का तीसरे दिन आया था, 300 रुपए का टारगेट आज कुणाल जी नहीं सॉरी किरण जी और जैन साहब और सेठी साहब की वजह से आने की पूरी संभावना है आपके लिए। तो ये टारगेट्स आते हुए तो 295 के टारगेट, और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ जितने मैं कैश मार्केट के स्टॉक्स आपको दे रहा हूँ उनको सबको आप पोजिशनली 5-7 दिन के लिहाज से आप होल्ड पे रखिए ताकि आपको पूरा का पूरा बेनिफिट मिले। एक और स्टॉक जो मेरे नजर में आ रहा है द्वारिकेश शुगर,
जो हमने दो दिन पहले ये रिकमेंड किया था, द्वारिकेश शुगर भी देखिए 8% अब भाग चुका है। तो एक एक करके सब स्टॉक एकाध दिन में कभी कोई बड़े एक्शन में आ जाते हैं, उसकी तैयारी रखिए। एक और स्टॉक जो रेन इंडस्ट्रीज, ये भी हमारे आज के 2000 का स्टॉक था और रेन इंडस्ट्रीज के रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर सामने आते हुए दिख रहे हैं। आय बढ़ी है 3008 करोड़ पर आती हुई दिखी है, मुनाफा भी बढ़कर आया, स्टॉक 4% मजबूत है रेन इंडस्ट्रीज। इसके चार्ट देखिए सिमी जी, जरा कैश मार्केट का स्टॉक रेन इंडस्ट्रीज 188 पर है, इसके चार्ट देखिए, तब तक दीप बताएंगे ये स्टॉक कब और किस लेवल पर रिकमेंड हुआ था। लेकिन आइए एक बार चार्ट पर नजर डालिए रेन इंडस्ट्रीज। अनिल जी, मुझे लगता है कि स्टॉक बेहद मतलब बहुत ही स्ट्रांग है और यहाँ से भी ये स्टॉक का और ऊपर जा सकता है। फ्रेश ब्रेकआउट जब 210 का लेवल क्रॉस करेगा तैसा तब देखेंगे, क्योंकि 210 का मेरा अभी इनिशियल टारगेट है। अगर 210 का लेवल क्रॉस हो गया तो 240 से 255 का टारगेट है मेरा, जो कि बहुत शॉर्ट टर्म में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मैक्सिमम 2 से 3 महीने में 240 से 55 का टारगेट मेरे पास है रेन के लिए। बिल्कुल, तो रेन इंडस्ट्रीज पर अनिल जी ने 23 अप्रैल को राय दी थी पिछले हफ्ते फ्राइडे के दिन, और खरीदारी की राय थी आपके लिए। 3-4 टारगेट्स दिए थे और लगभग उन्हीं टारगेट्स पर है। 190 का आखिरी टारगेट था, 175, 182, 185 के टारगेट्स तो अचीव हो गए हैं, 190 के टारगेट के करीब भी स्टॉक आते हुए दिख रहा है। और भरोसा देखिए, जो फंडामेंटल्स बताए थे सर ने वो भी जारी होते दिख रहे हैं, नतीजे दमदार आते हुए दिखे, मुनाफा डबल हो गया है, 114 करोड़ से बढ़कर 231 करोड़ का मुनाफा आया है। आय में भी आपने अच्छी बढ़त देखी है, 3000 करोड़ से ज्यादा की आय आई है। तो रेन इंडस्ट्रीज आखिरी टारगेट की तरफ मूव कर रहा है, फेडरल मुगल भी अपने टारगेट की तरफ मूव करते हुए दिख रहा है। आइए एक बार देख लेते हैं फेडरल मुगल, दो दिन पहले अनिल जी ने आपको क्या राय दी थी इस काउंटर पर। इन तीनों ऑफर फॉर सेल में से जो सबसे बढ़िया मुझे नजर आता है वो है फेडरल मुगल का, और यहां पर खरीदारी करने के लिए इन वैल्यूएशन बहुत बढ़िया, एमएनसी कंपनी है और इन्हें 10% हिस्सेदारी घटानी है और साथ ही 10% का ग्रीन शू ऑप्शन है, यानी 55 लाख शेयरों का उनका ऑफर है और 55 लाख शेयर ही वो और एक्स्ट्रा भी अगर बिक जाए तो दे सकते हैं। रेस्पॉन्स बहुत ही तगड़ा आया। अब ये ऐसे भाव पे आ गया जहाँ सब फंड्स के मुंह में पानी आ रहा है, कंपनी के फाइनेंशियल बहुत मजबूत है, अच्छी खासी कैश कंपनी के बुक्स में है, डेट फ्री कंपनी है, मतलब वो तो कभी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर और कामकाज को लेकर तो कभी सवाल रहे नहीं, खाली ये प्रमोटर्स को बेचना बाकी था, वो अटका पड़ा था। मुझे लगता है ये स्टॉक फिर उसके बाद बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगा, तो 260 रुपये के स्टॉक लॉस के साथ खरीदिए। 280, 285 दो छोटे टारगेट आज के लिए है, 295, 300 दो चार दिनों के लिए पोजिशनल टारगेट है। फेडरल मुगल, यहाँ पर हमने कहा आप चाहे अब भी आपके पास वक्त है, आप चाहें तो ऑफर फॉर सेल में ले सकते हैं, और जिन लोगों ने खरीदारी की पहला और दूसरा टारगेट दोनों आ चुका है, 285 का दूसरा टारगेट भी आपके सामने, 295 तो 300 के टारगेट के लिए आप पोजिशनली होल्ड कर सकते हैं। तो स्टॉक्स में भरपूर एक्शन है। तो ये था फेडरल मुगल, जो आपने सारे टारगेट्स अचीव करता हुआ 295 तक के लेवल्स आ चुके हैं आपके सामने। थोड़ी देर में एक और आपके लिए कल के 2000 का स्टॉक, एक और क्या मतलब कल के 2000 का पहला स्टॉक ही आने की तैयारी में है। लेकिन उससे पहले कुणाल जी नहीं, किरण जी से, आज किरण जी और कुणाल जी का नाम मिक्स बहुत हो रहा है, किरण जी से उत्साहित होते हुए बंसल जी भी कह रहे हैं कि मैं भी पिक ऑफ द सीरीज आज ही दूंगा, तो देखते हैं। अब वैसे तो पिक ऑफ द सीरीज आप सब लोगों को पता ही है, कल है शुक्रवार और सीरीज मई सीरीज का पहला दिन होगा और आप सबसे पिक ऑफ द सीरीज ली जाएगी। लेकिन अब बंसल जी तैयार हैं अभी से देने के लिए, तो बंसल जी की तैयारी भी एक बार रखते हैं। बंसल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले जल्दी से एक बार लॉरस लैब्स के रिजल्ट आए वो भी मैं आपके सामने रख दूं। 275 करोड़ का मुनाफे का अनुमान था, उसके सामने 297 करोड़ का, क्या बात है। लॉरस लैब्स के मुनाफे का आंकड़ा दमदार आया है, नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे। मैं हमारी टीम ने आपको ये रिकमेंड भी किया था कि ये इस स्टॉक के रिजल्ट्स आएंगे बेहद दमदार, और रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। अनुमान जो हमने लगाया था वो मजबूत था, लेकिन उससे भी बेहतर रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। हमारा अंदाज था 275 करोड़ का और आया है 297 करोड़ का मुनाफा, क्या बात है। और भी बेहतरीन मुनाफे का आंकड़ा आता हुआ दिखा है, तो मुनाफा दमदार है लॉरस लैब का, 1410 करोड़ ये आय का आंकड़ा है। आय का अनुमान हमारा था 1250 करोड़ का, तो आय तो बहुत ही जबरदस्त है, 1250 करोड़ के अनुमान के मुकाबले में 1400 करोड़ से ज्यादा का आय का आंकड़ा बहुत तगड़ा माना जाएगा।
कामकाजी मुनाफा और ये डेटा भी देख लिया जाए, आपके सामने देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस आती है। लेकिन जो आंकड़े अभी तक स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो लॉरस लैब में बड़े मजबूत रिजल्ट्स की तरफ इशारा कर रहे हैं, यहाँ पर नजर रखनी होगी। एक बार मैं आपके पास पिक ऑफ द सीरीज पूछूं, उससे पहले बंसल जी जल्दी से आपकी सेटी साहब की रिकमेंडेशन भी रही है लॉरस लैब पर, और स्टॉक दिन के हाई पॉइंट पर निकलता हुआ भी दिख रहा है मजबूती के साथ, मार्जिन का और कामकाजी मुनाफे के डेटा का इंतजार है, तब तक जल्दी से एक बार चार्ट बताएं सर। अनिल जी चार्ट्स पॉजिटिव हैं और हमने इसको कुणाल जी अनिल जी 373 के अराउंड रिकमेंड किया था, वहां से मोर देन 100 रुपीज ऊपर है और अब जो इसका एक इमीडिएट लेवल है 473 इसका एक बढ़िया लेवल है। जिनके पास है 473 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, अगर ये 473 के नीचे निकलता है तब यहाँ दिक्कत है, एल्स ऑल इज वेल और ऊपर में 493-495 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, 473 है स्टॉप लॉस। 493 क्या क्या टारगेट्स बताए आपने, एक बार फिर से बोलिए अनिल जी। ऊपर में 493-495 के लेवल्स मुमकिन लगते हैं। ओके, 493-495 के लेवल्स के लिए तैयार है ऊपर जाने के लिए लॉरस लैब। ये है दमदार रिजल्ट्स आते हुए आपके लिए, आय और मुनाफे का आंकड़ा बहुत ही शानदार, कामकाजी मुनाफे के आंकड़े और आपके सामने जब भी आएंगे हम आपके सामने रखेंगे। तो लॉरस लैब दमदार नतीजे आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश होते हुए दिखाया। आइए बढ़ते आगे पिक ऑफ द सीरीज का बिगुल बंसल जी के लिए। बंसल जी बताएं सर। देखिए अनिल जी बिल्कुल आपने सही बोला, किरण जी से इंस्पायर्ड हो गए, ये पिक ऑफ सीरीज का आइडिया आया तो कल सुबह भी इसको ही रिपीट करूंगा मैं। और स्टॉक है मेरा एनएमडीसी है मेरा पिक ऑफ द सीरीज, और इसको पिक ऑफ द सीरीज इसलिए चुना है क्योंकि अब अगली सीरीज में इसके क्वार्टर फोर के नंबर्स आएंगे और मेरा ऐसा मानना है कि क्वार्टर फोर में इसकी जो सेल्स आएंगी वो हाईएस्ट एवर सेल्स होंगी इन दी हिस्ट्री ऑफ एनएमडीसी, तो वो एक बड़ी रीरेटिंग का कारण बनेंगी क्योंकि सेल्स अगर बढ़िया होंगी तो डेफिनेटली पैट भी बढ़िया होगा, पैट बढ़िया होगा तो क्वार्टर फोर की ईपीएस और फुल ईयर की ईपीएस भी बढ़िया होगी। तो एनएमडीसी पिक ऑफ द सीरीज है, 146 का स्टॉप लॉस है, 175 का टारगेट है और जब 163 के लेवल ऊपर में क्रैक हों तब स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपनी खरीद की दाम का लेके आए। तो 146 का स्टॉप लॉस, 175 का टारगेट एनएमडीसी है पिक ऑफ द सीरीज। बिल्कुल, तो एनएमडीसी पिक ऑफ द सीरीज यहां पर रखनी है नजर एक एक करके। मेटल काउंटर्स पर तो भरोसा बरकरार है बाजार का और जबरदस्त कॉल्स आ रही हैं आपके लिए, तो ऐसी एक जबरदस्त कॉल अनिल जी की तरफ से बिगुल कल के 2000 का। बताए सर दीप, इस कॉल में है ना जब मैं ये दूंगा तो उसके बाद बंसल जी सोचेंगे अरे यार ये क्या हो गया, ये काम तो मुझे करना था जो अनिल जी ने कर दिया, ऐसा बंसल जी के मन में इस तरह की फीलिंग्स आएगी। तो वो फीलिंग्स मुझे बहुत अच्छी लगेगी जब मैं वो फीलिंग देखूंगा कि वो बस मिस हो जाने वाली जो फीलिंग होती है ना वो पक्के तौर पर आएगी। और क्यों आएगी वो मैं बता दूँ कि ये कॉल जो इंस्पायर्ड है वो बंसल जी से ही है। बंसल जी ने एल्गो ट्रेड दिया था 2 दिन पहले चेन्नई पेट्रो, ठीक है ना, और उसके आज रिजल्ट भी आए, बहुत दमदार रिजल्ट, स्टॉक ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया जहां से बंसल जी ने बोला। इसी से मिलता जुलता है इसी तरह की कंपनी और इसी वजह से अब मैं रिकमेंड करने जा रहा हूं, वो है एमआरपीएल। 39 रुपए के आसपास एमआरपीएल है और इसके रिजल्ट्स आएंगे 7 मई को, ठीक है, और कमोबेश आप समझ सकते हैं जिस तरह के बड़े दमदार और तोड़फोड़ रिजल्ट आपके आए हैं चेन्नई पेट्रो के, उसी तरह के रिजल्ट एमआरपीएल भी पेश करेगा। तो आपको एमआरपीएल में रिजल्ट के लिहाज से पोजिशनल ट्रेड लेना है हफ्ते भर के लिए 7 मई के हिसाब से। यहां पर मुझे लगता है कि जो रिजल्ट्स आएंगे वो मजबूत रहेंगे और उस हिसाब से आपको करनी है खरीदारी। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 36.50 रुपए का, और नहीं 38 का लगा लीजिए, आज के लो का लगा लीजिए, 38.15 रुपए कुछ लो है, 38 रुपए का स्टॉप लॉस कर लीजिए आज के लो का, और ऊपर के जो टारगेट आपके बनेंगे 44 रुपए 45 रुपए 43 रुपए 45 रुपए 47 रुपए, 2-2 रुपए ऊपर के रख लेते हैं, 43, 45, 47, ये तीन टारगेट के लिए हफ्ते भर के लिए आपको एमआरपीएल में करनी चाहिए खरीदारी। तो ये एक और स्टॉक है जो इसी तरह की दौड़ लगाने को तैयार है और इसी तरह के रिजल्ट भी देने को तैयार है। मेरे ख्याल से 10 रुपए के आसपास की ईपीएस इस साल करेगा ये स्टॉक, और आप देखिए 40 रुपए के आसपास महज 4 के पी मल्टीपल पर एमआरपीएल का स्टॉक आपको मिल रहा है। बंसल जी
बताइए, अब आपको चार्ट्स पे भी इसी पर राय देनी है और साथ ही राय देने के साथ साथ अपनी भावनाएं भी व्यक्त करनी है आपको। नहीं अनिल जी, ये बिल्कुल मिस आउट की फीलिंग आ रही है और इस स्टॉक को कुणाल जी और हमारे सुमित बगाड़िया जी बड़ी जल्दी पकड़ते थे। और अनिल जी, मैं आपसे एक लिबर्टी चाहूंगा कि जैसे आपने रिकमेंड करा है, इसमें इतने बड़े स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। 40.50 रुपए 40.50 रुपीज के नीचे की क्लोजिंग आए तो निकल जाना चाहिए, ये लेवल्स टूटेंगे नहीं। और यहाँ पर एकमात्र टारगेट मतलब कि 45 से नीचे का टारगेट देना पैटर्न के साथ नाइंसाफी है। तो मैं भी आपके साथ हूँ, ये मेरी दूसरी पिक मानी जाए। 40.50 रुपए 40.50 रुपीज स्टॉप लॉस है, 45 का एक मुश्त टारगेट है और जिस तरीके का है मैं पूरे ये कॉल कल कल तक के लिए है। तो 40.50 रुपए का स्टॉप लॉस, 45 रुपीज का टारगेट, कल 3:30 बजे मेरी कॉल क्लोज हो जाएगी और जिस तरीके का पैटर्न है ये टारगेट मुझे लगता है कल क्लोजिंग से पहले मिलने चाहिए। तो ये है आपके लिए MRPL पर राय, बड़े टारगेट्स के लिए करें खरीदारी। बिल्कुल बंसल जी को भी लग रहा है मजबूत खरीदारी यहां से भी होती हुई दिख सकती है, स्टॉक पूरे एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। इस बीच लॉरस लैब के लिए कामकाजी मुनाफा और भी तगड़ा आता हुआ दिख रहा है, 192 करोड़ से बढ़कर 471 करोड़। माई गॉड क्या रिजल्ट है। हमारा अंदाजा था 275 करोड़ का, क्या बात है 275 करोड़ के मुकाबले में। कुशल है क्या हमारे साथ में, जरा एक बार अगर कुशल है तो कुशल से भी मैं राय लेना चाहूंगा, क्योंकि कुशल नहीं नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे बनाया था 275 करोड़ के सामने 475 करोड़ के आसपास का मुनाफा, 23% से मार्जिन 33%, गजब के मार्जिन में। तो हमारा अंदाजा 32% का था, उस हिसाब से 33.5% के मार्जिन बहुत अच्छे है, लेकिन मुनाफे का आंकड़ा बहुत 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 ही तगड़ा आता हुआ दिखा है। तो दमदार नतीजे हर एक पैरामीटर पर, स्टॉक लाल निशान में इसीलिए कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग नतीजों के आने के बाद जो आमतौर पर आप देखते हैं वो होती दिख रही है, लेकिन वाकई में बेहद शानदार बेहद दमदार नतीजे आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और नतीजों पर ही फोकस करते हैं। नतीजों का अनुमान लेकर हमारे साथ इस वक्त देवांशी तैयार है, इंडसइंड बैंक, इसके आने वाले हैं रिजल्ट्स। देवांशी बताइए कैसे रहेंगे इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स। बिल्कुल, इस बार आप देखिए उनका जो मुनाफा है इंडसइंड बैंक का वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिख सकता है, करीब 2.5 गुना से लेकर 3 गुना जो मुनाफा है वो बढ़ता हुआ दिख सकता है। वो केवल इसलिए क्योंकि जो प्रोविजनिंग होंगी वो इस बार कम होती हुई दिख सकती है और इसके चलते मुनाफे को काफी जो सहारा है वो मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो बेस है वो भी काफी कम था, इसके चलते भी हम देखेंगे कि इंडसइंड बैंक का जो मुनाफा है उसमें एक उछाल देखने मिल सकता है। ब्याज से आय में करीब 9 से 10% तक के उछाल का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही जो मार्जिन है वो स्थिर रहेंगे क्योंकि डिपॉजिट्स के लिए उनको इंटरेस्ट काफी आउटगो होता हुआ दिखा था, कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हुए हैं, इससे सहारा जरूर मिलता हुआ दिखेगा, लेकिन इसके चलते जो मार्जिन है वो करीब 4.25% के आसपास रहने का अनुमान है। लोन ग्रोथ इस बार करीब 3% पर आती हुई दिखेगी, आप देखिए 11% से कम होके, लेकिन इस बार इनके जो कॉर्पोरेट लोन बुक है वहां से काफी स्ट्रेस बनता हुआ दिख रहा है और जो ज्यादातर रिस्ट्रक्चरिंग या एसेट क्वालिटी जो कम होती हुई दिखेगी वो इसी सेक्टर से होती हुई दिखेगी, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वहां पर थोड़ी सी दिक्कतें जरूर हैं। प्रोविजनिंग इस बार अगर तिमाही आधार पर देखें तो करीब 13 से 14% तक कम होती हुई दिखेगी और इसके अलावा आप देखिए जो सीवी लैप और इनसिक्योर्ड बुक है वहां से ज्यादातर स्लिपेजेस आने का अनुमान भी लगाया जा रहा है और जो कॉर्पोरेट बुक है वहां से भी हमें देखना होगा कि फ्रेश स्लिपेजेस के आंकड़े हैं वो किस तरह से होते हुए दिख रहे हैं। साथ ही इस पर भी नजर रखनी होगी कि जो सीवी सेगमेंट है माइक्रो फाइनेंस है वहां पर किस तरह से डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है, सेकेंड वेव को किस तरह से जो कलेक्शन है वो होते हुए दिख रहे हैं और जो एसेट क्वालिटी या क्रॉस एनपीएस की अगर हम बात करें। बिल्कुल, तो बिल्कुल देवांशी माफ कीजिएगा, बजाज ऑटो के नंबर्स आ गए हैं जैसे ही आप बात कर रही थी और लग रहा है कि नंबर्स थोड़े अनुमान से बेहतर आए हैं। मुनाफे का फिगर 1310 करोड़ से बढ़कर 1330 करोड़ का आया है और हमारा अनुमान था 1320 करोड़ का, तो थोड़ा सा बेहतर आया है। हालांकि कुछ बड़े मुनाफे में जंप का हमने अनुमान नहीं लगाया था बट उससे थोड़ा बड़ा ही आया है। 140 रुपये पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड भी घोषित किया है तो वहां पर भी एक अपडेट आपके लिए आते हुए।
कुल आय आई है इनकी 8600 करोड़ रुपए की, तो जो टोटल आय है 8600 करोड़ की है, हमने अनुमान लगाया था 8250 करोड़ का, तो उस हिसाब से देखें तो अनुमान से काफी बेहतर आय का आंकड़ा आते हुए दिखाया, हालांकि मुनाफा ऑलमोस्ट अनुमान मुताबिक ही आते हुए दिखाई, ये वायो वाय मैं बता रहा हूँ, अगर आप देखें तो 6800 करोड़ से बढ़कर आय आई है इनकी 8600 करोड़ के आसपास की। इसके अलावा कामकाजी तौर पर भी देखें तो कुल एक्सपेंसेस में एक बढ़त आती हुई देखिए, हम मार्जिन्स इनके एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा घटकर आएंगे, 18.4% से घटकर लगभग 17.5% के करीब के हम मार्जिन्स की एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं बजाज ऑटो के लिए, बट आय काफी अच्छी आई है, 8600 करोड़ की आय आई है, अनुमान से भी काफी बेहतर है, और ओवरऑल भी देखें तो अच्छी बढ़त के साथ आई है, मुनाफा अनुमान के मुताबिक ही आपको आते हुए दिखाया, वॉल्यूम्स में हम 18% की बढ़त का अनुमान लगा रहे हैं, तो देखते हैं फाइनल पिक्चर जो वॉल्यूम्स की आती है कंपनी की तरफ से वो कैसी रहती है, बट ऑन द फेस ऑफ इट बजाज ऑटो अच्छे ही नंबर्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। चार्ट चेक भी ले लेते हैं बजाज ऑटो पर, श्रीकांत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्रीकांत जी जरा लेवल्स बताएं बजाज ऑटो के लिए, 3900 पर है स्टॉक। बिल्कुल, तो देखिए वैसे काफी आउट परफॉर्मर रहा है स्टॉक पिछले 7-8 दिनों के ट्रेंड के बेसिस पे, लेकिन मुझे लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म में चूंकि टीवीएस मोटर्स के नतीजों के बाद इसमें हमने तेजी देखी थी, तो मुझे लगता है कि ये रेजिस्टेंस के करीब आ चुका है, तो एक बार शायद लगता है मुझे कि ये थोड़ा और वक्त निकाल सकता है 3950-3960 के करीब, और लोअर लेवल्स में जो इसके सपोर्ट्स रहेंगे वो रहेंगे तकरीबन 3830-3850 के, लेकिन इसके ब्रॉडर ट्रेंड को अगर देखें तो हमें लगता है कि ये स्टॉक एक बार वापस 4050 के लेवल्स आने वाले दिनों में दिखा सकता है, तो ओवरऑल अच्छा है, लेकिन अगर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, तो ये है बजाज ऑटो, कुल वॉल्यूम्स में 18% की बढ़त है, यही हमने अनुमान लगाया था, एग्जैक्टली उसी लेवल पर आया, क्योंकि ऑब्वियसली आपको सेल्स डेटा तो मंथ ऑन मंथ मिल ही जाता है, तो वॉल्यूम ग्रोथ 18% की आपको आती हुई दिख रही है, मार्जिन्स 18.4% से घटकर आए हैं 17.7% के, और हमने भी यही हमने अनुमान लगाया था 17.17% का, तो मार्जिन्स एग्जैक्टली अनुमान मुताबिक आते हुए दिख रहे हैं, तो लार्जली इन लाइन है, रेवेन्यू जो नंबर्स आए हैं वो आपको काफी बेहतर आए हैं, और मैनेजमेंट का कहना है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट ऊपर जाती हुई दिख रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ा कामकाज पर प्रेशर पड़ा है, और इसलिए आपने देखा भी है कि मार्जिन्स कम होकर आए हैं, पर एक्सपोर्ट्स कंपनी के अच्छे रहे हैं और कुछ बाइक्स की सेल्स भी काफी मजबूत रही हैं, तो ये है बजाज ऑटो के नंबर्स आपके लिए। फोकस करते हैं बजाज ऑटो पर आइए तब तक कुछ और कॉल्स ले लेते हैं, श्रीकांत जी से हम बात कर रहे थे और श्रीकांत जी के पास एक कॉल तैयार है बिगुल पीटीएसटी का। बताएं श्रीकांत जी। दीपांशु देखिए वैसे अगर मार्केट में एक बार अगर मेटल्स में हम तेजी देखते हैं तो उसके बाद हम वापस एक बार सीमेंट स्टॉक्स में भी तेजी देखते हैं, और पिछले कई दिनों से जब हम लोगों ने मेटल्स में इतनी बड़ी तेजी देखी है तो अभी मुझे लगता है कि वापस एक बार सीमेंट स्टॉक्स में हम तेजी देख सकते हैं। हमें रैमको सीमेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है जो करंट लेवल्स 985 के करीब के हैं, आई थिंक मुझे लगता है शायद इसके नंबर्स आने बाकी है या शायद आज आने वाले हैं, लेकिन 980-990 के रेंज में ये काफ़ी अट्रैक्टिव बाय है, हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 1020-1030 के लेवल्स दिखा सकता है, तो 960 रुपये के स्टॉक लॉस के साथ करंट लेवल से रैमको सीमेंट को बाय किया जा सकता है। ओके, तो 907 के लेवल पर स्टॉप लॉस हो गए, वहां से खरीदारी करें, एक बार टारगेट जरा फिर से बताएंगे श्रीकांत जी। बिल्कुल, तो दीपांशु 1020 और 1030 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है, तो वेरी शॉर्ट टर्म में ये दो लेवल्स हम देख सकते हैं, और अगर पीरियड अगर नेक्स्ट फ्यू वीक्स की बात करें तो मुझे लगता है कि ये पुल बैक मोड में आ चुका है और 1060-70 के लेवल्स भी दिखा सकता है, तो वेरी शॉर्ट टर्म में 960 का स्टॉप लॉस रखें कोई भी परचेस करने के लिए। ओके, तो 960 का स्टॉप लॉस, खरीदारी करें रैमको सीमेंट्स पर। आइए बजाज के नंबर्स आ गए हैं, इंतजार है अंबुजा के नंबर्स का, मानसी हमारे साथ है बताने के लिए अंबुजा से क्या एक्सपेक्टेशन है, मानसी बताएं। बिल्कुल दीपांशु, अच्छे नतीजे आने का अनुमान है, सबसे पहले वॉल्यूम की बात करेंगे, करीब 27% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है सालाना आधार पर, वही रियलाइजेशन में 4.3% की बढ़त की संभावना है, मजबूत रियलाइजेशन से कामकाजी मुनाफे को काफी हद तक सहारा मिलेगा, करीब 24% की बढ़त कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर देखी जा सकती है, और साथ ही ग्रामीण और सेमी अर्बन इलाकों से जो अच्छी मांग आती हुई दिख रही है इसका सीधा असर देखेंगे हम, बिक्री करीब 29% की बढ़त दिखा सकती है, वहीं मुनाफे के फ्रंट पर 27%
% का अपटिक देखा जा सकता है। फर्दर स्ट्रेटेजी कंपनी की अगर बात करें, पूर्वी और पश्चिम भारत में कारोबार विस्तार का कंपनी का प्लान है और कुछ चीजें जिस पर हमें नजर रखनी होगी जो कि कंसर्न्स भी हैं, कैपेसिटी पाइपलाइन और ऑपरेशन के एग्जीक्यूशन में देरी से खतरा हो सकता है, नतीजों में क्या कुछ आता है ये जानना होगा, वहीं कैपेसिटी एडिशन की टाइमलाइन क्या है ये समझनी होगी, और अनुमान से कमजोर मांग तो पिछले दिनों देखने को मिली है, क्या उसका खतरा नतीजों में देखने को मिल रहा है या नहीं उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए अंबुजा सीमेंट, इस पर भी रखिए नज़र किस तरह के नतीजे इस स्पेस पर आते हैं। एसीसी के बाद हमने देखा था कि यहाँ पर एक बड़ी मूव आई थी, राहुल बजाज का चेयरमैन पद से इस्तीफा, ये एक डेवलपमेंट आ रहा है बजाज ऑटो के लिए, अभी अभी आपके लिए नज़र रखिए इस खबर पर भी जो बजाज ऑटो के लिए आते हुए दिख रही है इस समय। तो राहुल बजाज साहब ने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है, अब वो चेयरमैन एमेरिटस के रूप में कंपनी में बने रहेंगे, ये खबर है। 1 मई 2021 से ये अब चेयरमैन एमेरिटस का पद संभालेंगे, तो 30 अप्रैल को इनका आखिरी डे होगा एज चेयरमैन ऑफ द कंपनी। पिछले 5 दशक से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं राहुल बजाज साहब। नीरज बजाज जो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कंपनी के, वो अब चेयरमैन का पद संभालेंगे 1 तारीख से। तो एक तरह से कह सकते हैं एंड ऑफ एरा राहुल बजाज साहब का, चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है बट कंपनी के साथ बने रहेंगे चेयरमैन एमेरिटस की तरह, और अब नीरज बजाज साहब चेयरमैन बनेंगे कंपनी के 1 मई से। ये एक डेवलपमेंट बजाज ऑटो के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अंबुजा के बारे में मानसी हमें बता के गई थी, एक बार जरा चार्ट्स भी चेक कर लेते हैं अंबुजा सीमेंट के, किस तरह के लेवल्स हैं जो आपको नजर में रखने पड़ेंगे। सिमी जी, अंबुजा के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएं, 315 के लेवल्स पर है स्टॉक। मुझे लगता है कि स्टॉक में मुझे स्ट्रेंथ नजर में आ रहा है, पर ऊपर में जब ये स्टॉक 320-325 का रेंज क्रॉस करेगा तभी इसमें फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिलहाल तो मैं होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ, मुझे पूरा सीमेंट पैक ही अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों के लिए सीमेंट पैक होल्ड करके रखना है। मेजर सपोर्ट 300 के आसपास है जो एक मीडियम टर्म का स्टॉप लॉस का काम कर सकता है, तो 300 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने का सलाह होगा मेरे पास से अंबुजा सीमेंट को। ओके, तो ये है आपके लिए अंबुजा सीमेंट पर राय, नजर रखिए इस पर। बाजार के दिग्गज रिलायंस के भी नतीजों का इंतजार है, थोड़ा पॉजिटिव एक्शन 2 दिनों में रिलायंस ने जरूर दिखाया है, बट नतीजे किस तरह के रह सकते हैं ये वरुण दुबे बताने के लिए तैयार हैं। वरुण बताएं, एक्सपेक्टेशन क्या है रिलायंस इंडस्ट्रीज से? देखिए, ग्रोथ को लेकर एक्सपेक्टेशन अच्छी है कि ग्रोथ तो अच्छी होगी लेकिन मार्जिन को शायद ये कंपनी सस्टेन नहीं कर पाएगी और दबाव आएगा कंपनी के रिफाइनिंग कारोबार से। देखिए, वैसे तो ओवर पेटकैम और रिफाइनिंग कारोबार जो अगर आप देखेंगे तो वहाँ करीब 15 से 40% के आसपास की ग्रोथ होगी, लेकिन रिफाइनिंग कारोबार जो है वो मेंटेनेंस के लिए शटडाउन किया था, इसके लिए वहाँ से मार्जिन प्रेशर आने वाला है और इसी के चलते जो इसका O2C कारोबार है यानी कि जो ऑयल टू केमिकल कारोबार है वहाँ 25 से 30% की ग्रोथ होगी लेकिन वहाँ पे मार्जिन पे दबाव आने वाला है, तो उसके चलते ओवरऑल मार्जिन भी दबाव में रहेंगे। हमारा अनुमान है कि एबिटा मार्जिन 18.3% से गिर के करीब 15.9% पे आ सकते हैं। बाकी कारोबार की बात करें तो देखिए, जियो सब्सक्राइबर एडिशन तो अच्छा हुआ है लेकिन आरपूस इस बार दबाव में रहने वाले हैं। 151 पिछले क्वार्टर में था, इस बार काफ़ी एस्टिमेट्स 140 से 145 के बीच में ज़्यादातर लोग, लेकिन मान के चल रहे कि हो सकता है कि 140 के आसपास कंपनी के आरपू रहे, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी क्योंकि आरपू में एक स्टीप फॉल देखने मिल सकता है। रिटेल कारोबार अच्छा खासा 30 से 40% के आसपास ग्रो करेगा, डिजिटल में 30% के आसपास की ग्रोथ होगी, ओवरऑल ग्रोथ अगर आप देखें तो 25% के आसपास होगी और मुनाफा फ्लैट रहेगा, 15,000 करोड़ के आसपास ही आ सकता है। जीआरएम पे नजर रखिए, पिछली बार O2C कारोबार के लिए जीआरएम का आंकड़ा कंपनी ने दिया नहीं था, हालांकि जो कैलकुलेटेड जीआरएम था वो करीब 5.2 बैरल के आसपास था, इस बार हो सकता है कि थोड़ी बहुत बढ़त आपको वहाँ देखने मिल सकती है। तो ग्रोथ रहेगी, दो चीज़ पर नजर रखिए, एक तो मार्जिन दबाव में रहेंगे रिफाइनिंग के कारोबार के चलते और दूसरा जियो का आरपू जो है वो इस बार गिरने वाला है। तो ये है आपके लिए रिलायंस पर पूरा नतीजों का विश्लेषण, और जियो की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी वो ऑफ कोर्स काफी समय से इंपॉर्टेंट हो गया है। किरण जी, 2 दिन पहले रिलायंस पर आपकी भी पॉजिटिव व्यू था सर, और अच्छी मूव आई है, रिलायंस ने बाजार को भी सहारा दिया है, अगले लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है? अगला लेवल दीप रहेगा वो रहेगा 2050, मुझे लगता है कि कल के सत्र में ये लेवल निकल जाना चाहिए, लॉन्ग पोजिशन से में ही रहना चाहिए। जो सपोर्ट है वो 2000 के है, तो उसके बीचों बीच हम ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। 2000 के नीचे मेरे स्टॉप लॉसेस रहेंगे,
2050 के ऊपर वापस एक बार बाय करने की सलाह होगी, और जैसे मैंने परसों भी कहा था 2075 से लेके 2100 के टारगेट सबको देखने को मिल जाने चाहिए, वो अगले हफ्ते आने की प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। ओके, तो ये है आपके लिए रिलायंस पर राय इस वक्त आती हुई। आइए बढ़ते आगे, और एक और कंपनी जिसने पेश किए बेहद दमदार नतीजे वो है HUL। नतीजे तो आ गए, लेकिन नतीजों के बाद जो एनालिस्ट के साथ कौन कॉल हुई है मैनेजमेंट की, और मैनेजमेंट ने आगे के लिए जो आउटलुक गाइडेंस और कमेंट्री दी है वो क्या है, उसके बेसिस पर आपको मन बनाना है कि HUL में आगे क्या कुछ हो सकता है। वरुण दुबे हमारे साथ है इस वक्त बताने के लिए ये सब। वरुण बताइए, आपने कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड भी की, क्या कुछ कहा है HUL के मैनेजमेंट ने, कॉन्फिडेंट दिख रहा है, आउटलुक कैसा है, किस तरह का मूड है उनका? डेफिनेटली देखिए अनिल जी, मूड माहौल तो अच्छा है, और उनका जो कॉन्फिडेंट है वो भी अभी तक अच्छा बना हुआ रखा है, कि ऐसा कुछ डर मुझे दिखाई नहीं दिया उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कुछ अहम बातें उन्होंने की, तो सबसे ज़्यादा तो पहले हम यही जानना चाहते थे उनसे कि भाई ये लॉकडाउन जो हुआ है उसका कितना असर आपके कारोबार पर हुआ है। तो कंपनी का कहना था कि कामकाज के लिहाज से पिछले साल आपने देखा था कि काफ़ी डिसरप्शन हुआ था, खासकर सप्लाई चेन में, इस बार उस तरह का डिसरप्शन जो है वो बिल्कुल नहीं देखने मिला है। तो हालात कामकाज के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ख़राब नहीं हुए हैं। पिछले साल ये हुआ था कि कस्टमर्स के तरफ से काफ़ी पैनिक बाइंग देखने मिली थी, इस बार ऐसा नहीं हुआ है कि कस्टमर जाके होर्डिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की, ऐसा कोई माहौल अब तक देखने नहीं मिला है, ये कंपनी ने साफ कहा है। पिछले कुछ दिनों में सैनिटाइजर की डिमांड कम हो गई थी, लेकिन फिर से जैसे जैसे लॉकडाउन लगने शुरू हुए सैनिटाइजर की डिमांड जो है उसमें एकाएक उछाल आया, ये कंपनी का कहना है कि और आगे भी हेल्थ और हाइजीन और न्यूट्रिशन का जो पोर्टफोलियो है उसमें बेहतरीन ग्रोथ देखने मिलेगी। वहीं हमने फैक्ट्रीज को लेकर पूछा कि आपकी क्या कोई फैक्ट्रीज बंद हुई है, तो कंपनी का कहना है कि नहीं, हमारी फैक्ट्रीज 100% कैपेसिटी पे चल रही है। इनफैक्ट अनिल जी, एक इंटरेस्टिंग काम इस कंपनी ने किया है, अपनी क्षमता का विस्तार किया है, और वो कैसे किया है, खासकर जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स है उनके साथ इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं। वो इसलिए कि अगर लॉकडाउन लगते हैं और अगर बड़ी फैक्ट्रीज को बंद होना पड़ता है तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर के जरिए ये अपनी प्रोडक्ट की सप्लाई जो है वो जारी रखेंगे, ये कंपनी ने साफ कहा है। इसके अलावा कंपनी ने कहा है कि अपने मार्जिन और वॉल्यूम को मेंटेन रखेंगे, लगातार कंपनी प्राइस हाइक ले रही है, जो प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसके चलते डिमांड को लेकर कंपनी ने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा बेटर डिमांड है रूरल से ज़्यादा, हालांकि रूरल डिमांड भी जो है वो अच्छी है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, और पिछले साल जितना बुरा हाल हुआ था सप्लाई चेन को लेकर खासकर, वैसा इस बार कुछ देखने नहीं मिल रहा है, फैक्ट्रियाँ इनके 100% कैपेसिटी पर चल रही है। यह है HUL की मैनेजमेंट की कमेंट्री नतीजे के बाद की, ग्रोथ को लेकर, आउटलुक को लेकर मैनेजमेंट है कॉन्फिडेंट, ये आपको साफ नजर आ रहा है। ओके, और इस बीच बैंक ऑफ महाराष्ट्र के भी नतीजे आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। ग्रोस एनपे में थोड़ा सुधार है, पौने 8% से 7% के आसपास मुनाफा तगड़ा बढ़कर आया, 58 करोड़ से बढ़कर 170 करोड़ मुनाफे का आंकड़ा आता दिख रहा है, और स्टॉक 5% मजबूत आपको इस वक्त नजर आएगा। ये है आपके लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नतीजे भी। स्टॉक पिछले कुछ दिनों से काफी एक्शन में रहा है, और यहाँ पर बढ़िया तेजी भी देखने को मिली है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जरा इसके चार्ट पर भी एक बार नजर डाली जाए। सिमी जी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चार्ट देखिए और बताइए। अनिल जी, चार्ट तो है, मुझे लगता है कि स्टॉक अगर किसी को होल्ड करना है तो एक स्टॉप लॉस में 21 के नीचे लगाने के लिए कहूंगी, 21 का स्टॉप लॉस के साथ अगर बना रहना है इसमें, और 28 से 29 का टारगेट पहला है, 29 का लेवल क्रॉस हो जाएगा तो इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और 32 तक ये स्टॉक जा सकता है। फिलहाल के लिए 21 का स्टॉप लॉस सर मैं होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ, 29 का टारगेट मिनिमम, उसके बाद 32। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नतीजे अब आ रहे हैं थिक एंड फास्ट, और बाजार का रिएक्शन भी एक एक करके इन सभी स्टॉक्स पर हो रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर नजर रखें, मुनाफा इनका काफी तेजी से बढ़कर आया है, 3 गुना मुनाफा इनका उछल कर आया है, पर कुछ नतीजों के और आने का इंतजार है। आइए इन्हीं नतीजों के बारे में बात कर लेते हैं। एक्साइड, यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन है, आइए इस पर नजर डालते हैं। कुशल हमारे साथ तैयार है, कुशल बताएं। देखिए दीपांशु, एक्साइड के जो नंबर्स हैं वो बेहतर साइड पर रहने का ही अनुमान है, क्योंकि ओवरऑल OEM और रिप्लेसमेंट मार्केट में जो रिकवरी, डिमांड रिकवरी होती हुई दिखी है, उस वजह से इनकी जो आय है वो करीब 31% बढ़कर 2700 करोड़ रुपए रह सकती है। साथ ही कंपनी की जो मार्जिन है उस वजह से 13.1% से बढ़कर 13.9% पर हो सकती है, तो लगभग 1% का उछाल हम इनके मार्जिन।
करके चल रहे हैं, और साथ ही इसका जो मुनाफा है 168 करोड़ से बढ़कर 220 करोड़ रह सकता है, यानी कि करीब करीब 31% की बढ़त हम इनके मुनाफे पर भी देख रहे हैं। और इनका जो B2C सेगमेंट है वहां से भी आय जो है काफी अच्छा उछाल जो है एक्सपेक्टेड है। अब आगे के लिए ये देखना होगा मैनेजमेंट से कि जो लेट की कीमतें हैं वहां पर किस तरह की ट्रेजेक्टरी जो है मैनेजमेंट बनाकर चल रही है, जिससे कि आगे के लिए इनकी मार्जिन जो है डिफाइन होती हुई नजर आएगी। ओके, तो ये है आपके लिए एक्साइड इंडस्ट्रीज पर राय, यहां पर अनुमान के लिहाज से एक्साइड इंडस्ट्रीज आपके लिए। आइए इस बीच बढ़ते आगे और कुछ और स्टॉक्स हैं जहां वो ले स्टॉक्स पर बात करें, उससे पहले जय ठक्कर हमारे साथ तैयार है कैश का ऑप्शन लेकर। बताएं जय। जी अनिल जी, गुड आफ्टरनून। अनिल जी, मार्केट में आज हाई लेवल से अच्छा खासा हमें करेक्शन, या तो मैं कहूंगा कि प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू, एंड एग्जैक्टली वही 15,050 के लेवल्स वो निकाल नहीं पाया जो मैं एंटिसिपेट इनफैक्ट कर रहा था। बट देन बेस्ट पार्ट ये है कि वो कॉल ऑप्शन अभी भी 95-100 के आसपास ट्रेड कर रहा है 15,100 का, सो कंफर्टेबल लेवल्स पे वो अभी। बट मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी कि मार्केट में जो प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिल रहा है शायद कंटिन्यू हो भी सकता है एक दिन, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में एक और लेग ऊपर बाकी है बिफोर अगर कोई बड़ा करेक्शन आना भी हो तो, एक छोटा सा एक लेग बाकी है जिसमें शायद निफ्टी 15,100-150 हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। इसीलिए निफ्टी में भी करना यह है कि 6 मई की एक्सपायरी का हमें 14,900 के स्ट्राइक का एक नया कॉल ऑप्शन दे रहा हूँ, 14,900 के स्ट्राइक का कॉल खरीदना है जो भी करीब 178 के आसपास अनिल जी ये ट्रेड कर रहा है, एंड यहाँ पे यू नो स्टॉप लॉस नीचे की ओर रखना है करीब 134 के आसपास, तो 178 के आसपास खरीदना है, 134 का इसमें एक स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में जो टारगेट अनिल जी इसके बनकर आएंगे वो 242 है, एंड सेकेंड टारगेट जो बन रहा है वो 266 है, 242-266 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है। मेरा ये मानना है कि जो हिसाब से मेटल्स में आज दमदार तेजी देखने मिली है वैसे ही यू नो, और हाउएवर ऑन द फ्लिप साइड बैंकिंग में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है शायद और कंटिन्यू भी हो, बट एक आध दिन में वो सेटल होकर फिर से हमें एक अप ट्रेंड रिज्यूम होते हुए नजर आएगा, एंड ग्लोबल मार्केट्स ऑलरेडी एक अच्छे मोमेंटम में है, वहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है US में आज नहीं तो कल एक बड़ा एक ब्रेकआउट आएगा, एंड उसके कारण भी हमारे इंडियन मार्केट्स को बेनिफिट होगा, तो 14,900 का कॉल ऑप्शन खरीद के चले। ओके, 14,900 का एट द मनी कॉल ऑप्शन अगले हफ्ते का खरीदें, 6 मई वाला, 178 में मिल रहा है, 134 का स्टॉप लॉस लगाइए, 242 और 266 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। ये है राय जय की तरफ से आती हुई ऑप्शंस में। जय, निफ्टी पर आपने ऑप्शन की राय दी, बैंक निफ्टी पर क्या व्यू है इस वक्त, बैंक निफ्टी के डेटा कैसे दिख रहे हैं आपको? बैंक निफ्टी अनिल जी, जैसे मैंने कहा कि कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी शॉर्ट टर्म एक आध दिन में हमें थोड़ा बहुत शायद करेक्शन दिखा है, बिकॉज यू नो बैंक निफ्टी मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन दी अपसाइड कल तो ऐसा लग रहा था कि 34,000 निकाल के अच्छा ट्रेड करेगा जो किया भी आज मॉर्निंग में, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया, तो अब बड़ा मूव या तो 34 के ऊपर आएगा या तो नीचे में अनिल जी हमें अगर यू नो 33,600 या तो 500 के रेंज में मिले तो एक बढ़िया लेवल रहेगा एंटर करने के लिए, थोड़ा और 100-200 पॉइंट अगर गिरता है तो अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स आ जाएंगे, ज्यादा बड़ी गिरावट तो नहीं देख रहा हूं मैं, पर 200 पॉइंट की अगर गिरावट आती है तो वहां पे खरीद कर चले, देयर आफ्टर एक अच्छा मूव देखने मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर राय, थोड़ी और अपमूव आ सकती है, थोड़ा एक्सपायरी के बाद शायद मुनाफा वसूली हो, बट बाजार का मूड माहौल तो डेफिनेटली पॉजिटिव दिख रहा है और इसकी क्लियर इंडिकेशन है। मेटल स्टॉक्स पर एक बार नजर डाल दीजिए, 10% का सर्किट लग गया है JSW स्टील पर, और आपने ऑलमोस्ट 10% की रैली सेल पर देख ली है, 6.5% टाटा स्टील, 5-6% नैलको भी दिख रहा है, NMDC भी उस लिस्ट में है, वेदांता भी है, तो सारे के सारे मेटल स्टॉक्स लीड कर रहे हैं, टॉप गेनर्स बाजार के इस समय मेटल काउंटर्स ही आपको दिखेंगे, वहां पर बाजार का भरोसा भरपूर है, हिंडाल्को JSPL भी उस लिस्ट में ही शामिल है, मेटल्स की तेजी कहीं नहीं जा रही है, ये एक क्लियर मैसेज बाजार की तरफ से आपको मिलते हुए दिख रहा है। पर आइए कुछ और नतीजों का इंतजार है, नतीजों का इंतज़ार है, काफ़ी सारे और नतीजे हैं जो आने वाले हैं, उन्हीं पर एक बार नज़र डाल देते हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके बारे में भी जानते हैं, देवांशी हमारे साथ हैं बताने के लिए कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ क्या एक्सपेक्टेशन है, देवांशी बताएं।
बिल्कुल, ई स्मॉल फाइनेंस बैंक इस बार अच्छे नतीजों का अनुमान लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर इनकी जो ब्याज से आए है करीब 20% से लेकर 25% बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है, और जो मुनाफा है उसमें जंप देखने मिल सकता है। इस बार सारी बैंक्स में इसलिए भी जंप देखने मिल रहा है क्योंकि प्रोविजंस का आंकड़ा बहुत ही ज्यादा नीचे आता हुआ दिख रहा है, और इसके चलते हम देखेंगे कि ई स्मॉल फाइनेंस का जो भी जो मुनाफा है वो करीब 70% से लेकर 80% तक बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप प्रोविजंस देखें तो इस बार हम देखेंगे कि 160 करोड़ के आसपास रह सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रॉस एनपीएस हैं वो इस बार करीब 3% के आसपास रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। थोड़ी सी कमी आ सकती है 3.3% से घटकर, और जो नेट एनपीएस हैं वो भी थोड़े से सुधरते हुए दिख सकते हैं, 1.3% से सुधरकर 1% के आसपास होने का अनुमान है। इसके अलावा आप देखिए जो डिस्बर्समेंट है उससे बढ़त आती हुई दिखी, और इसके चलते एईएम को भी सहारा मिलता हुआ दिखा है, ब्याज से आय को सहारा मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन स्लिपेजेस का जो आंकड़ा है वो इस बार हाई रहने का अनुमान इस बार भी लगाया जा रहा है। लेकिन आप देखिए ज्यादातर इनको जो प्रोविजनिंग करनी थी, एडिशनल जो कोविड प्रोविजनिंग की थी वो उन्होंने पिछले तिमाही में कर ली थी, तो इसके चलते हम देखेंगे कि इस बार बहुत ज्यादा पेन नहीं होगा। राइट ऑफ इस बार बढ़ते हुए दिखेंगे, रीस्ट्रक्चरिंग बढ़ते हुए दिखेंगे, ये सारे आंकड़े काफी अहम होंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो नंबर्स हैं वो इस बार अच्छे आने की उम्मीद लगाई जा रही है, आउटलुक इस बार थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। ओके, तो आउटलुक अच्छा रह सकता है। अभी तक जो भी बैंक के नतीजे आए हैं ज्यादातर पॉजिटिव ही रहे हैं, स्पेशली प्राइवेट स्पेस से, बट स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नतीजे आएंगे इस पर हम नजर डाल के रखते हैं। पर जो मैं मेटल्स की तेजी की बात कर रहा था उसके बारे में एक बार थोड़ी और डिटेल्स ले लेते हैं, क्योंकि चाइना में हमने देखा काफी सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी भी उन्होंने हटा दी है मेटल्स पे, और डिमांड भी काफी तेजी से बढ़ रही है। तो आशीष से जानते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है मेटल्स में, चल क्या रहा है चाइना में, और इतनी तेजी के पीछे वजह क्या है। आशीष बताएं। दीपांशु देखिए, लगातार स्टील की जो मांग है, कीमतें हैं, इसमें एक इजाफा देखने को मिल रहा है। ग्लोबली अगर आप देखें तो प्राइसेस में अप ट्रेंड है, और इसके बाद ही अगर आप देखें तो चाइना ने जो अपनी स्टील की ट्रेड पॉलिसी है इसमें बदलाव किया है। बदलाव ये हुए हैं कि दरअसल जब इम्पोर्ट्स हैं, इम्पोर्ट्स करना अब आसान होगा चाइना में, हालांकि जो एक्सपोर्ट्स हैं इसके ऊपर सख्ती लग गई है। करीब 146 स्टील उत्पादों पर जो पहले एक्सपोर्ट पर चाइना रिबेट दिया करता था वो रिबेट खत्म कर दी गई है, और इसी के साथ जो इम्पोर्ट्स पे ड्यूटी लगाया करता था वो हटा दिए। अब इसके पीछे का कारण ये है, लंबे समय से मैं आपको बता रहे कि जो स्टील है लगभग इसमें एक सुपर साइकिल की शुरुआत हो ही चुकी है। चाइना लगातार जो है उसके इम्पोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, और अगर आप पिछले महीने के मुकाबले भी अगर आप देखेंगे तो चाइना में जो टोटल स्टील इम्पोर्ट्स हुए हैं इसमें महीने दर महीने 22% की शानदार बढ़त देखने को मिली है। यानी मांग अगर आप देखें तो ग्लोबली स्टील की काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है, और सबसे बड़ा जो प्लेयर है चाइना वहां पर मांग बहुत स्ट्रांग है, जिसके चलते चाइना लगातार इम्पोर्ट्स कर रहा है। थोड़े दिन पहले हमने एक खबर ये भी देखी थी कि जो चाइना के जो प्रीमियर थे उन्होंने ये भी कहा कि जो कमोडिटी प्राइजेज हैं इन्हें कंट्रोल में रखना होगा क्योंकि मांग काफ़ी ज़्यादा है, कीमतों में ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। अब देखिए इसका फायदा, क्योंकि जो मेटल प्राइजेस होते हैं वो ग्लोबली लिंक्ड होते हैं, चाइना में तेजी आएगी तो स्वाभाविक है कि भारतीय कंपनीज भी अपने जो प्राइजेस हैं उसे अलाइनमेंट में रखेंगी, वो भी प्राइस हाइक करेंगे। पिछले 7 से 8 महीने से हम देख भी रहे हैं कि लगातार स्टील की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, और इसका फायदा पूरे मेटल सेक्टर को देखने को मिल रहा है। स्टील स्टॉक्स में तो देखिए मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स देखने को मिले। इसके अलावा भी कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको फोकस करना चाहिए, जो कि स्टील की जो बुल रन है, जो स्टील की सुपर साइकिल की शुरुआत हो चुकी है, इसका सीधा बेनिफिट कुछ स्टॉक्स को देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाने वाली कंपनीज हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फर्नेस के द्वारा जब स्टील उत्पादन होता है तो उसमें ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। एचईजी और ग्रेफाइट इंडिया, इन दोनों स्टॉक्स को आपको अपने रडार पर रखना चाहिए। इनके फंडामेंटल्स भी अगर आप देखें तो सुधरते जा रहे हैं। थोड़े दिन पहले हमने जब मैनेजमेंट से बात की तब उन्होंने भी कहा था कि स्टील कंपनीज डी स्टॉकिंग कर रही हैं क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो मांग स्वाभाविक है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की भी जो मांग है वो बढ़ती जाएगी, जो कीमतें हैं वो भी बढ़ती जा रही है, नीडल कोक जो इनका रॉ मटेरियल है उसकी कीमतें घट रही हैं। यानी हर तरफ से अगर आप देखें तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स कंपनी के लिए जो पूरा सिनेरियो है बहुत फेवरेबल होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा एक और जो सेक्टर है जिसे बाजार थोड़ा सा इग्नोर करता है वो है रिफ्रैक्टरीज, क्योंकि स्मेल्टिंग प्रोसेस बिना रिफ्रैक्टरीज के हो नहीं सकती, इसमें वेयर एंड टेयर होता है, मेंटेनेंस होता है, जिसके चलते देखिए यहां पर आपको IFGL रिफ्रैक्टरीज और ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज, इन दोनों स्टॉक्स पर आपको रडार पर रखना है। और दो अहम मिनरल्स भी हैं हिंदुस्तान जिंक में, तो हमने देखा ये तेजी है लेकिन मॉयल ने अभी तक तेजी नहीं दिखाई है। मैंगनीज और लगभग 80% मैंगनीज और का उत्पादन जो है स्टील कंपनीज के लिए किया जाता है, तो यहां पर भी आपको नजर रखनी चाहिए।
बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए पूरे स्पेस में, और स्टील मेटल्स के प्रोडक्शन से जुड़ी कंपनीज हैं वहाँ पर भी रखे नज़र। ग्रेफाइट की बात कर रहे थे आशीष आज सुबह, अनिल जी ने भी आपको ग्रेफाइट पर खरीदारी की थी, ग्रेफाइट इंडिया पहला टारगेट तो तभी आ गया था, दूसरे टारगेट के भी बेहद करीब आते हुए दिखा है स्टॉक का 755 के, नज़र रखिए उस पर, ज़बरदस्त तेज़ी बन रही है। और रिफ्रैक्टरीज पर तो हमारे जैन साहब काफ़ी बुलिश हैं इस समय, जैन साहब बुलिश भी मेंटेन करें रिफ्रैक्टरी स्टॉक्स पर, बाकी जो जुड़े हुए स्टॉक्स हैं मेटल प्रोडक्शन को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लास्ट ये जो नवमी पिक्स का, तो उसमें मैंने रिफ्रैक्टरीज की बात की थी, मैंने उसमें वेसुवियस इंडिया दिया था, हालांकि रिजल्ट्स थोड़े हल्के आए थे बट फिर भी वापस से आज रिकवर कर गया। मैंने मैंगनीज ओर की बात की थी जहां पे मैंने संदूर मैंगनीज दिया था, वो टारगेट अचीव किया। ओरियंट रिफ्रैक्टरीज मैंने भी दिया है, वरिंदर जी ने भी दिया, चलना ही है। फिर वेसुवियस बताई दिया मैंने, IFGL रिफ्रैक्टरीज। सो ओवरऑल ये जो मेटल एंसिलरी कंपनीज है इन पे ध्यान दे, माइनिंग कंपनीज पे दे, NMDC में बिल्कुल साथ हूँ, मतलब जो अभी बंसल जी ने कहा जबरदस्त लगता मुझे NMDC, वहां पे ध्यान दे। बाकी ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश स्टिल एंड ये कंपनियां बहुत अच्छा करेगी। एक इवेंट KIOCL भी है, कुद्रेमुख आयरन ओर, वहां पे भी मेरी नजरें बनी हुई है बट स्टिल मुझे और भी इनडेप्थ रिसर्च करनी है, उसके लिए मैं उसको अभी मैं इमीडिएटली रिकमेंड नहीं करूँगा। बड़ी स्पेस है मेटल्स और मेटल्स से जुड़ी कंपनीज, और मौके भी हैं बट तेजी भी वैसी ही आपको आती हुई दिख रही है, खबरों का भी सपोर्ट है। मेटल्स दमदार एक्शन, एक्सपायरी के लिए आखिरी 10 मिनट, आइए चलते हैं अनिल जी के पास फाइनल स्ट्रेटजी के लिए। अनिल जी वैसे तो पूरा का पूरा फोकस सर एक्सपायरी की तरफ बढ़ा हुआ है, पर थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें जो ग्लोबल बाजारों से मैं आपके लिए बता दूं, 140 पॉइंट्स ऊपर है डाउ फ्यूचर्स, नैसडैक फ्यूचर्स 1% ऊपर है नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर, S&P 500 के फ्यूचर्स भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं और वो भी नए रिकॉर्ड पर ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि आज शाम को लग रहा है सर कि नए रिकॉर्ड्स आ सकते हैं, और स्पेशली एप्पल और फेसबुक नतीजे पर रिएक्ट करेंगे। एप्पल का तो $90 बिलियन का बायबैक है, उस पर भी आज स्टॉक रिएक्ट करेगा, तो उसके लिए अमेरिकी बाजार तो आज रिकॉर्ड तेजी के लिए तैयार है सर। बाकी यूरोप में हम देख रहे हैं अच्छा एक्शन बना हुआ है, और रुपए में सर बहुत ही स्ट्रांग रिकवरी आज आई है, आज सुबह हम बात कर रहे थे 74.30 के आसपास रुपया था, फिलहाल 74 पर ट्रेड कर रहा है, तो आज रुपए में भी बढ़िया एक्शन देखने को मिला है, बताएं सर क्या करके जाएं? दीपा क्लोजिंग ठीक हो रही, कहीं कोई खास दिक्कत नहीं, और बैंक निफ्टी भी 33,500 के ऊपर बंद हो रहा है तो अच्छा ही बंद हो रहा है जिस रेंज की हम बात कर रहे थे, और निफ्टी भी आप देखिए 14,875 के ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर ही बंद होता हुआ दिख रहा है। तो जैसे कि एक्सपायरी के दिन आप थोड़ा उतार चढ़ाव वाला सेशन देखते हैं वैसी होती दिख रही है। अगर शायद ग्लोबल मार्केट्स मजबूत नहीं होते तब तो मैं कहता था कि चलो ठीक है थोड़ा सा हल्के रहिए सावधान रहिए, लेकिन अमेरिकी बाजार काफ़ी मजबूत है और हमारे यहाँ पर भी आप ऊपरी स्तर से हल्का हो चुके हैं, तो आप अपनी जो पोजीशन है तेजी की वो बनाए रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से आपकी रिस्क है लगभग 100 पॉइंट की, 14,775 आपका स्टॉप लॉस होगा। बैंक निफ्टी पर आपके लिए स्टॉप लॉस 33,300 के आसपास का होगा, यानी 350 पॉइंट की रिस्क यहाँ है और 100 पॉइंट की आई तो ठीक है, विच इज़ फेयर। ऊपर में 15,000 के आसपास तक की जगह बनेगी निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 34,000 के आसपास तक की जगह बनेगी, तो साइडवेज मूवमेंट है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, स्पेशली स्टॉक्स वाली पोजीशन पर ज्यादा फोकस करें, वहीं पर एक्शन भरपूर है। जी दीर ओके, तो स्टॉक की पोजीशंस पर फोकस करें और वहीं पर है फोकस, और भरपूर कैश कॉल्स दी हैं अनिल जी ने आपको, जहां पर आप नजर रख सकते हैं ग्रेफाइट इंडिया, यहां पर टारगेट्स आपको आते हुए दिखे आसानी से, अभी MRPL पर खरीदारी दी किराए दी है। आज सुबह गुडलक स्टील के बारे में अनिल जी बात कर रहे थे, वहां पर एक्शन बना है, और इसके अलावा इंद्रप्रस्थ मेडिकल, फिलिप्स कार्बन ब्लैक, ये सारे स्टॉक्स हैं जो रिसेंटली अनिल जी ने आपके लिए रेकमेंड करे हैं, जो आगे जाकर अच्छी गेंस दिखा सकते हैं। धामपुर शुगर के बारे में भी अनिल जी कल आप बात कर रहे थे, 221 के लेवल्स पर आपको खरीदारी की राय दी थी, तो धामपुर शुगर एक और काउंटर है जहां पर आपको रखनी है नजर। रूट मोबाइल, इसके लिए खबर आ रही है कंपनी एक एक्विजिशन करने जा रही है, उसकी उन्होंने डिटेल्स दी हैं, फोनॉन कम्युनिकेशंस करके एक एक्विजिशन कंपनी करने जा रही है, ये डिटेल्स रूट मोबाइल की तरफ से आपको आती हुई दिख रही है। ऑल कैश डील्स में ये एक्विजिशन की जाएगी, 29 करोड़ रुपए में ये एक्विजिशन करने वाली है कंपनी, तो रूट मोबाइल के लिए ये खबर आती हुई दिख रही है। जैन साहब कोई कवरेज रूट मोबाइल पर सर? देखिए मैं वैसे देखिए जबरदस्त बिजनेस मॉडल है, जबरदस्त पोस्ट लिस्टिंग चला भी है,
बट मैं जनरली थोड़ा सा डर जाता हूं जब ऐसे टाइप के जो कंपनियां जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। हालांकि देखिए सबके रडार में और बाइंग की रिकमेंडेशन सबसे आई है, कल मैंने सिद्धार्थ सिडानी जी को भी सुना, जबरदस्त उन्होंने जो डिजिटल थीम है उसमें दिया था। सो ओवरऑल मेरी तरफ से होल्ड है, मैं बहुत एग्रेसिवली बाइंग की रिकमेंडेशन अभी भी इसमें नहीं देता बिकॉज मुझे वैल्यूएशन के लिहाज से महंगा लगता। बिल्कुल, तो यह है रूट मोबाइल। कल सिद्धार्थ जी आपको याद होगा सिड की एसआईपी में डिजिटल थीम के बारे में बात करी थी, आईआरसीटीसी, इंफोसिस, इंडिया मार्ट और साथ ही रूट मोबाइल, जहां पर उन्होंने 1800 के टारगेट्स दिए थे और 20% कैपिटल एलोकेशन की राय दी थी। फिलहाल एक एक्विजिशन की खबर रूट मोबाइल के लिए आपके लिए आती हुई दिखी है इस समय, तो नजर रखिए इस काउंटर पर भी अच्छी खबर है एक्विजिशन को लेकर कंपनी के लिए। कैश स्टॉक्स में भी आज भरपूर एक्शन रहा है, मेटल्स ही सबसे आगे रहे पर एमआरपीएल पर नजर रखिए जिस पर अभी अनिल जी ने आपको खरीदारी की राय दी थी, 13% की तेजी काउंटर इस समय दिखा रहा है, 43 के लेवल्स पर आपको एमआरपीएल आते हुए दिख रहा है। तो अनिल जी जो पहला टारगेट आपने एमआरपीएल का रेकमेंड किया था वो अभी अभी हिट होते हुए दिखा है 43 के लेवल पर एमआरपीएल 45-47 ये तीन टारगेट हैं जिनके लिए आपको थोड़ा थोड़ा अगर आप कैश मार्केट में जैसे आपने जितना खरीदा है थोड़ा पार्टली प्रॉफिट भी बुक करते चले। मार्केट जिस लेवल पे और जिस तरह की गर्मी हो रही है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तो बेहतर है कि हल्का प्रॉफिट बुक कर ले ताकि आपके पास क्वेश्चन रहे। जैसे कि आपके कई सारे स्टॉक्स है जो हमने रिकमेंड किए हैं सारे के सारे जो ऊपर चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल गुड लक, फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट, फॉर एग्जाम्पल एमआरपीएल, रेन इंडस्ट्रीज रिजल्ट भी आ गए, तो आप थोड़े थोड़े प्रॉफिट भी बुक करते चलेंगे तो बेहतर है ताकि आपके पास जगह भी होगी फिर से फ्रेश एंट्री करने की भी, तो दोनों चीज़ हो सकती है तो इन पर ध्यान रखना जरूरी। तो ओवरऑल बढ़िया आपके सामने कैश मार्केट के स्टॉक्स का एक्शन है लेकिन हल्का फुल्का सुस्ती वाला एक्शन है निफ्टी सेंसेक्स में, तो एकदम शांत बंद होने की तैयारी कर रहे हैं इस वक्त ये सारे ही इंडाइसेस आपको, लेकिन स्टॉक्स में अब भी बढ़िया तेजी है और जमकर तेजी आपको होती हुई दिख रही है। एक और स्टॉक जो बड़े एक्शन में आता दिख रहा है वो है सन टीवी। सिमी जी जरा सन टीवी के चार्ट देखिए 520 रुपए के आसपास। देखिए अनिल जी मुझे लगता है कि स्टॉक में फ्रेश खरीदारी यहाँ पे भी किया जा सकता है, थोड़ा सा वोलेटाइल है पर 510 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने से 527 और 535 का टारगेट इसमें आ सकता है, 510 का स्ट्रिक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये है आपके लिए सन टीवी पर राय। जल्दी से एक बिगुल श्रीकांत जी के लिए बीटीएस सिटी। बताएं श्रीकांत जी। दीपक जी देखिए वैसे एक्टिविटी अभी मुझे लग रहा है कि एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टॉक्स में रहेगी और कोरोमंडल फर्टिलाइजर में हमने अच्छी खासी एक रिकवरी देखी है, स्टॉक ने डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बनाया है, 735 रुपए का प्राइस चल रहा है, मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए, काफी अच्छे सपोर्ट के आसपास अवेलेबल है और हमें यहाँ से 770-775 के लेवल्स आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं, तो करंट लेवल से बाय करें और 720 का स्टॉप लॉस रखें। साथ ही साथ मुझे लगता है धामपुर शुगर जैसे अनिल जी ने अभी रेकमेंड किया था, हमें लगता है कि बलरामपुर चीनी में भी फोकस करें, 275 के करीब ट्रेड कर रहा है और ये स्टॉक शायद 300 के लेवल्स दिखा सकता है, तो आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर रिलेटेड कमोडिटीज में या तो स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। तेजी होती दिख रही है, आप जो शुगर शेयर देखें, एक और शुगर शेयर याद आया, द्वारिका शुगर भी हमने रिकमेंड किया था अभी 2-4 दिन पहले और द्वारिका शुगर में भी आप देखें 6% के आसपास की तेजी, ये भी 40 रुपये के पार निकलता हुआ हमारे टारगेट्स की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिखा, तो एक एक करके स्टॉक शुगर के सारे एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। बलरामपुर चीनी भी आपने अभी अभी बात की है, ये पसंद है श्रीकांत जी को, तो ये स्टॉक भी कमाल करता दिख रहा है, द्वारिका शुगर भी कमाल करता दिख रहा है, शुगर शेयरों में भी जबरदस्त खरीदारी और बढ़िया तेजी का माहौल बनता हुआ आपको नजर आएगा इस वक्त। तो चलिए बाजार बढ़िया मजबूती के साथ स्टॉक्स पर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि कैश के स्टॉक्स जो है वो बहुत ही तगड़ी तेजी के आसपास होते हुए दिख रहे हैं ये आपके लिए इस वक्त। आइए बढ़ते हैं आगे और कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर क्लोजिंग आज दिन के हाई पॉइंट पर होती हुई दिख रही है, बाजार की क्लोजिंग जरूर थोड़ी सुस्ती के साथ होती दिख रही है। 24 अंक ऊपर प्रोविजनल क्लोजिंग है निफ्टी की, सेंसेक्स 47 अंक ऊपर है तो बैंक निफ्टी 57 अंक नीचे बंद होता हुआ दिख रहा है, एकदम सुस्त क्लोजिंग आपके लिए, लेकिन दिन के दौरान का एक्शन पूरा
करीबन करीबन 200 पॉइंट सवा 200 पॉइंट का एक्शन निफ्टी में रहा है, तो बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का एक्शन रहा है और सेंसेक्स में भी लगभग आप देख सकते हैं 800 पॉइंट का एक्शन दिन के दौरान रहा है। फाइनल क्लोजिंग थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे हम, तब तक आइए बाजार बंद होने के बाद का एक्शन आपके सामने रख दें। देश में कोरोना का संकट जारी है और पिछले 24 घंटे में 3,80,000 मामले आए, जो कि अब तक का एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड है और न सिर्फ हमारे यहाँ सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया में भी सबसे ज्यादा है एक दिन में 3,80,000 का आंकड़ा। इस बीच 18 साल से अधिक के उम्र के लोगों को पहली मई से लगेगी वैक्सीन। कल शाम से 4 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, कल रात 11 बजे तक 1.25 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि अब कितना डर लग रहा है। पहले लोग नंबर आ रहे थे तो जा नहीं रहे थे, बोले देखते हैं दूसरे लगवा लें फिर देखेंगे, कहीं पता नहीं साइड इफ़ेक्ट्स होगा, वैक्सीन लगाने से बुखार आ जाएगा, दर्द होगा, कुछ हो गया तो साइड इफ़ेक्ट, ये सब। अब जब कोरोना बढ़ा तो सबको समझ में आ रहा है कि जल्दी लगवा लेनी चाहिए। अब भागम भागी इसलिए टाइम स्लॉट कहाँ मिलेगा, कौन से हॉस्पिटल में मिलेगा, कब मिलेगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि ज़्यादातर राज्य जो हैं वो कह रहे हैं कि पहली मई से वैक्सीनेशन शुरू कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास वैक्सीन अभी तक आई ही नहीं है। तो आज हमारी यही खास पेशकश है, यही डिस्कशन का मुद्दा है कि 18 प्लस को वैक्सीन वास्तव में कब से मिलेगी, कौन सी मिलेगी, क्या स्पुतनिक और फाइजर जैसी दूसरी वैक्सीन भी आने वाली है भारत में, क्या वो भी मिलेगी, क्या आपकी चॉइस की मिलेगी, इन सब पर करेंगे बातचीत। एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर और कोवैक्सीन के रिसर्चर डॉक्टर संजय राय हमारे साथ होंगे। महाराष्ट्र कोविड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी के मेंबर डॉक्टर शशांक जोशी हमारे साथ होंगे और कोविड वैक्सीन कमेटी दिल्ली के मेंबर डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ होंगे, तीनों खास मेहमान। तो ये शो है आज शाम 5 बजे, 18+ तैयार लंबी कतार, ये मार्ग व्यस्त हैं आप कतार में है, ये वाला म्यूजिक इस वक्त सुनने को मिल रहा है अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं तो। लेकिन आज का दिन बेहद खास है एक और लिहाज से, और हो सकता है बाजार का रिएक्शन आज थोड़ी सुस्ती भरा इस वजह से भी हो कि बंगाल और साथ ही 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं उनके आज एग्जिट पोल आने की तैयारी में। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, ये 5 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, आज शाम को एग्जिट पोल आएंगे, तो देखते हैं 2 मई को यानी कि रविवार को जो नतीजे आएंगे उन नतीजों से पहले कौन कितने पानी में है। राज्य तिलक का महा एग्जिट पोल, राज्य तिलक, ये है आज रात 8 बजे हमारी खास पेशकश होगी इंडिया 360 डिग्री में, मिस मत कीजिएगा। शाम से ये आपके सामने आना शुरू हो जाएगा लेकिन रात 8 बजे ये विशेष शो होगा आपके लिए। आइए फाइनल क्लोजिंग, 14,900 के आसपास ही बंद हुआ है निफ्टी, जैसा हम कह रहे थे कि 14,900 के आसपास ही बंद होना चाहिए, इससे ज़्यादा नीचे भी नहीं, ज़्यादा ऊपर भी नहीं, 30 अंकों की मजबूती के साथ। और बैंक निफ्टी भी वहीं 33,700 के आसपास हम उम्मीद कर रहे थे, 700-750 एग्जैक्टली वही बंद हुआ है। कभी कभी ये भी इंपॉर्टेंट है कि आखिरी एक घंटे में एक्सपायरी के दिन बड़ा मूव ना करें, और दीप मुझे लगता है कई बार हम ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ऊपर जाना चाहिए नीचे जाना चाहिए, लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूँ सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ये प्रेडिक्ट करना है कि आखिरी एक घंटे में एक्सपायरी के दिन बाजार कहीं नहीं जाएगा, डेटा इस तरह से बने कि वहीं का वहीं रह जाएगा, वो ज़्यादा मुश्किल काम है। तो आज हो गया कि वहीं का वहीं रह गया है बाजार, कोई खास फर्क नहीं पड़ा ऊपर या नीचे की तरफ, सेंसेक्स 32 अंक मजबूत बंद होता हुआ दिखा है। तो चलिए ये हुआ आज के पूरे दिन का एक्शन, विदा लेने का वक्त है। वागले साहब, बंसल जी, किरण जी, सीमी जी, जय ठक्कर साहब, श्रीकांत जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए, और जैन साहब का भी विशेष धन्यवाद, मौका कम मिलता जैन साहब को लेकिन फिर भी बोले कम सुने ज़्यादा, इस सिद्धांत को जैन साहब पूरी तरह से पालन करते हुए अपने क्लोजिंग शो में भी। जैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज फिर से जुड़ने के लिए, कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी, सबसे मुलाकात होगी, मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।